नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमांशी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। भारतीय बाजार में कल धुआंधार तेजी देखने को मिली और इस वक्त अगर आप देखेंगे इंडिकेशंस विदेशी बाजार से भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अजय। अजय, डेट सीलिंग एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, उसको फैसले से ठीक पहले इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार कल परफॉर्म कर रहे थे। देखिए, डेट सीलिंग जो है जून 1st की जो डेडलाइन है उससे पहले काफी बड़ी बड़ी बयान आ रहे हैं जी कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं। यूएस की ट्रेजरी में पैसा खाली हो रहा है, जेनेट येलेन काफ़ी बड़े बड़े बयान दे रही हैं, लेकिन यूएस मार्केट उसको एक मेजर्ड वे में अब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत बड़ा कहीं धराशायी नहीं हो रहा है और ये कॉमेंट्री सिर्फ कल ही नहीं आई है जी, ये करीब 15 दिन से ये कॉमेंट्री चल रही है। बिल्कुल, मैं आपकी आपका नज़र एक और बड़े यूएस के बिलियनर हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स। बहुत बड़े ट्रेडर हैं वो, पहली बात तो बता दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करते हैं। उन्होंने कल इस बयान पर कहा है कि कहीं ना कहीं बाजार अब यूएस मार्केट भी अब डेट सीलिंग के मुद्दे के ऊपर दिख रहा है। इनफैक्ट वो ये बात देख रहा है कि 9% वाला इन्फ्लेशन यूएस में वन साइडेड गिरता चला आ रहा है और इसलिए यूएस मार्केट में इस डेट सीलिंग की परेशानी जो आने वाली है उसके बावजूद बहुत स्ट्रेंथ है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईयर एंड तक शायद बाजार ऊपर ही चला जाएगा। अगर आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स को, देखिए यूएस बॉन्ड यील्ड्स को देखिए, काम है वहाँ पर। डॉलर इंडेक्स भले ही 101 के करीब आके वापस 102 के ऊपर चला गया, लेकिन ओवरऑल यूएस मार्केट में काम। दूसरी बात ये कि आपकी नज़र होनी चाहिए इस हफ्ते यूएस का बहुत सारा डेटा आएगा, चाइना का बहुत सारा डेटा आएगा, तो बाजार ग्लोबल मार्केट्स ग्रोथ को देखेंगे जो चाइना डेटा में रिफ्लेक्ट होगी और यूएस डेटा में ये रिफ्लेक्ट होगी कि जो 10 रेट हाई किए अभी तक यूएस ने उसका असर कितना डीप हो रहा है। तो इसके आसपास ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम सारा एशिया में और एशिया के अलावा भारत जैसे देशों में बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप लास्ट 20-25 दिन का चार्ट देखें तो यूएस मार्केट नीचे है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल क्यूज। तो ग्लोबल क्यूज की इंपॉर्टेंस लास्ट 15-20 दिन में, क्योंकि हमारी जबरदस्त मोमेंटम इंडियन मार्केट में आ गई है, तो ग्लोबल क्यूज की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी कम हो गई है। एब्सोल्युटली, भारतीय बाजार की अपनी पॉजिटिव चाल है और इस वक्त विदेशी बाजार से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, भारतीय बाजार के लिए ये सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे और आज की रणनीति क्या होगी इस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन एक रुख करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस का। डाउ की लगातार 5 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, दिन के निचले स्तरों से करीब 200 अंक संभल कर बंद। नैसडैक में 0.5% से ज्यादा का उछाल। डेट सीलिंग को लेकर बाइडेन कांग्रेस के लीडर से मिलेंगे। एशिया में बढ़त के साथ कारोबार, एसडीएक्स निफ्टी 50 अंक चढ़कर 18,450 के पास। हांगकांग, चीन और जापान के बाजारों में भी मजबूती। सप्लाई तंग होने की आशंका से कच्चे तेल में रिकवरी। ब्रेंट फिर $75 के ऊपर आया, लेकिन सोने में छोटे दायरे में कारोबार। कॉमिक्स पर दाम $2,020 के पास। कैश मार्केट में FIIs की लगातार 13वें दिन खरीदारी, 13 दिनों में 21,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। चौथी तिमाही में एस्ट्रल के अच्छे नतीजे, मुनाफा 43% बढ़ा। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल के नतीजों ने किया निराश, मुनाफे और मार्जिन्स में गिरावट। PVR आईनॉक्स के अनुमान के मुताबिक नतीजे, चौथी तिमाही में घाटा बढ़ा लेकिन आय में करीब 2 गुना का उछाल। वहीं बर्जर पेंट्स की आय 12% बढ़ी, मुनाफे पर दबाव। निफ्टी में भारतीय एयरटेल के नतीजे आज, चौथी तिमाही में मुनाफा 81% बढ़ने का अनुमान। एफएनओ में ग्रैन्यूल्स इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी हाउसिंग, जेएसपीएल के नतीजों पर रहेगी नजर। कैश में वीमा, ट्रीटेल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, त्रिवेणी टर्बाइन के नतीजे आज। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर के नतीजों पर भी रहेगी नजर। फोकस में रहेगा ONGC, ऑयल इंडिया का शेयर। क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स 4,100 रुपए प्रति टन से घटकर खत्म किया गया। खैर, इस बीच हमने अब कल नया रिकॉर्ड हाई टेस्ट कर दिया, आज हो सकता है गैप के साथ नया हाई बना दें। और इसकी बड़ी वजह ग्लोबल नहीं है, इसकी बड़ी वजह ग्लोबल जनित FIIs है जो भारत में आपको अच्छा सा ट्रेड करवाने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है उनका क्या होगा? अजय, यही सवाल है। जिन्होंने ले रखा है उनको तो पता ही है ना, उनकी तो पार्टी चल ही रही है, लेकिन जिनका शॉर्ट है वो क्या करें? देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले बाजार में मैं बहुत ही ब्रेव ऐसे लोग होंगे जो तेजी
पहले बाजार को शॉर्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है, जैसे आपकी भाषा में बताऊं, मैं ट्रेडर्स की भाषा में, गिरने एक बार टॉप आउट का साइन आए तब शॉर्ट्स पाइल अप होना शुरू होंगे, अभी तो वन साइड ब्रेकआउट चल रहा है। लेकिन आपके विदेशी मित्र वापस आ गए, सारे फिरंगी भाई जो है वो वापस आ गए और 20 दिन से यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है इंडिया और 13 दिन से लगातार एफआईएस की खरीदारी चल रही है। जब इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी का फ्लो होता है तो बाजार को शॉर्ट करना तो शायद उचित नहीं होगा। आप अगर आप नेगेटिव हैं तो आप अपना मुनाफा वसूल करते चले और स्टॉप लॉसेस को टाइट लगाते रहें, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा क्लियर साइन नहीं नजर आ रहा है अभी कि जहां पे आप ये कह सकें साहब टॉप आउट हो गया बाजार। आज आपने सही कहा, बैंक निफ्टी फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे गैप अप के साथ खुलेगा, निफ्टी भी बहुत पीछे ज्यादा नहीं रह गया है, 150-200 पॉइंट की बात है, 18450 पे तो हम बैठे ही हुए हैं और 18700 के आसपास का प्रीवियस हाई है निफ्टी में। तो निफ्टी में आप रेंज के लिए स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक्स में खरीदारी का माहौल है, बहुत बड़ा गैप अप के बाद चेज ना करें, ये बात शायद आपको फायदा नहीं करी क्योंकि इंटर डे पुल बैक आता है। इनफैक्ट हम आपको 10 दिन से एक ग्राफ दिखा रहे हैं, पिछले 10-15 दिन में हर इंटर डे पुल बैक में खरीदारी अगर आपने की है तो आपको नेक्स्ट डे या सेम डे ही अच्छे पुल बैक्स मिल रहे हैं। जब पुल बैक मिल रहे हैं तो आपको बड़े गैप अप चेज करने की जरूरत ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होती भी नहीं है ट्रेडिंग में। तो एक तो बैंक निफ्टी में तेजी है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है प्राइवेट बैंक से, PSUs लैगार्ड है, अच्छे नंबर्स के बाद भी, सॉफ्टिश नंबर्स के बाद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, सारा इंटरेस्ट लॉन्ग पोजिशंस FII का इंटरेस्ट आ रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, एक्सिस, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट तो फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे ऑलरेडी आ गए हैं, पर छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स RBL जैसे में भी बाजार का बहुत इंटरेस्ट है। तो ये बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ टिल्टेड है, बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप निफ्टी की बात करें, आपको याद होगा रिजल्ट के बाद हमने आपको फ्राइडे को बताया था 7% की DRL L&T में गिरावट आई थी, कल देखिए क्या हुआ, पूरी गिरावट रिवर्स हो गई क्योंकि FII फेवरेट स्टॉक्स हैं, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं खेलते, इनफैक्ट वो तो 7-8% का डिक्लाइन फायदा उठाते हैं। ये देखिए कल L&T और DRL भी रिकवर कर गए, ITC बहुत मीठे मीठे चलना शुरू हो गया है, 830 पे आ गया है, अभी वापस पिछले हफ्ते का लो है 420, 10 रुपये भागा, वो भी बाजार को, इनफैक्ट वही क्यों HUL भी इंडेक्स को बड़े कंज्यूमर स्टॉक्स से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और वो हमने कल बाजार में देखा। रिलायंस थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन अगर उसका हाथ लग गया तो रिकॉर्ड हाई की तरफ बाजार जरूर देख रहा है, तैयारी कर रहा है। और भूलिए मत, बाजार इस समय जो कल आपने WPI का डेटा देखा होगा, पिछले हफ्ते आपने CPI का डेटा देखा, ये जो इन्फ्लेशन का डेटा अब तो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, WPI का डेटा भी नीचे गया, इन्फ्लेशन पिकआउट हो रहा है, बाजारों कहीं ना कहीं आहट मिल रही है कि रेट शायद लंबे पॉज या पिकआउट ना हो गए हो। कल एक तो बैंक्स को रैली हो रही है क्योंकि रेट पिकआउट से क्या होता है, बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, आप देख ही रहे हैं बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहे हैं। रियल एस्टेट कल चलने लगा, DLF की रिजल्ट ने और कमेंट्री ने जरूर ट्रिगर किया, बट बाजार में कहीं ना कहीं एक व्यू बन रहा है कि रेट्स पीक हो गए, इसलिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव बैंक्स रियल एस्टेट में तेजी है। ऑफ कोर्स ऑटो में भी एक तेजी हो चुकी है, टाटा मोटर्स बेस्ट इंडेक्स परफॉर्मर था, तो ये बाजार शॉर्ट करने वाला नहीं है, ये बाजार लॉन्ग ट्रेड करिए, अपना लॉन्ग ट्रेल करिए स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मोटा मुनाफा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते चलिए, बट शॉर्ट मत करिए इस बाजार को, लिक्विडिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन FIS की पोजीशन इस समय डिम्पी FNO साइड में कहां तक पहुंच गई है, पिछले हफ्ते हमने 47-48% तक देखी थी, इस बार भी उतनी चल रही है। अगर आप FIS के टोटल नेट में पोजीशंस देखेंगे इतनी है, हालांकि कैश मार्केट्स में वो खरीद रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए एकदम से बाजार आपको तेज होता दिख रहा है। बट हाँ, वैसे ओवरऑल पोजीशन इंडेक्स की उनकी अभी भी 49% के आसपास की है। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, निफ्टी पे यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, बाजार में शॉर्ट कवरिंग से कभी नए हाई नहीं बनेंगे, शॉर्ट कवरिंग से सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है, नए हाईस तभी बनेंगे जब मार्केट के अंदर ताज़ा खरीदारी आएगी और कल वो आई है। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कल निफ्टी ने भी अच्छे खासी क्लोजिंग की है और एक क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस आपको एक चार्ट के जरिए आएगी, जिसमें निफ्टी का हमने 15 डेज का चार्ट बनाया है, उसमें देखेंगे कल 18400 का ब्रेकआउट भी हमने लिखा हुआ है। तो कई दिनों की एक लंबा कंसोलिडेशन कल निफ्टी का भी टूट रहा था, हालांकि वो ऑल टाइम हाई से थोड़ा पीछे है, बट फिर भी ये बाइंग ऑन डिप्स हर बार हुआ है, ये पूरा मई का चार्ट है, पिछले 15 दिनों में मई के अंदर क्या हुआ है। खैर,
कल 1.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी चला है और करीब 2.25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। निफ्टी अपने एवरेज के बराबर ही ओपन इंटरेस्ट लेके खड़ा हुआ है, इसलिए हलचल ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही आप बैंक निफ्टी को आके देखेंगे तो वहाँ पर हलचल आपको ज़्यादा दिखेगी। एक तो वो लाइट सीरीज है, 1 लाख का भी OI नहीं है, 92,000 का OI है, जबकि एवरेज बनता है मिडल ऑफ द सीरीज वो करीब 1 से 1.25 लाख OI का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो भी आपका 90,000 ही है। दूसरा एक पॉइंट, हम ऑल टाइम हाई तब लगा रहे हैं जब डिस्काउंट लेके खड़े हैं, 80 पॉइंट का डिस्काउंट है। पिछली बार का ऑल टाइम हाई हम प्रीमियम के साथ लगा के गए थे। खैर, इस पे आप जरा ध्यान ना दें, 3.5% का जो बिल्डअप कल हुआ है, कल ये ताज़ा खरीदारी के तौर पर हुआ है और ये ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ने अपना रूप दिखाया और 75% वेटेज वाले 4 बैंकों ने ही अपना काम करके दिखा दिया। उसके अलावा 25% बैंक जो हैं वो तो खैर अभी भी काफ़ी पीछे हैं अपने हाई से भी। आ जाते हैं विक्स और PCR पे। कॉल रेशियो के हिसाब से बुल्स ग्रिप काफी टाइट है और मैं बोलूंगा कि 1 से नीचे ही नहीं जा रहा। मार्केट डिप लेता है तब भी हमारा PCR करीब 1 के आसपास आके रुक जाता है। वॉलिटिटी इंडेक्स कुछ नहीं करेगा, ये चुप करके आंखें बंद करके बैठा है। जो आपको करना है आप कर लीजिए। आपको अगर थोड़ा नया हाई भी बनाना है तो आप बैंक निफ्टी का क्या, निफ्टी का भी नया हाई बनाना चाहते हैं तो इंडिया विक्स आपको परेशान नहीं करेगा। आते हैं कल FIs ने कुल मिला के सेगमेंट टू सेगमेंट क्या किया। कैश में तो आप खरीदारी देख ही रहे हैं बैक टू बैक, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, स्टॉक्स फ्यूचर्स देखेंगे, वहां पर भी प्लस प्लस पोजीशंस बनी है, सिर्फ एक स्टॉक्स की ऑप्शंस को छोड़कर जिसका माइनस 124 है बस। इसके अलावा जैसे मैंने आपको लॉन्ग पोजीशंस बताई, 49% FIs लॉन्ग लेके बैठे हैं, रिटेल लॉन्ग लेके बैठा है करीब 50% के आसपास। FIs की पोजीशनिंग इस वक्त खरीदारी की लॉन्ग्स के, यहां पर इंडेक्स हो चाहे फिर कैश में हो, हम देख रहे हैं 50% यहां पर पोजीशंस जो लॉन्ग साइड पर इस वक्त नजर आ रही हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे यहां पर लगातार 13 दिनों से कैश मार्केट में भी FIs की तरफ से जो खरीदारी है वो एक पॉजिटिव है। बाजार खरीदारी के मौके देगा और इसीलिए गैप अप को चेज ना करें, ये राय इस वक्त। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त 4 बड़े ट्रिगर्स कौन से, उसके बाद मार्केट पर स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। विदेशी बाजार को हमने टच बेस किया, अच्छी मजबूती आज हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार को ज्यादातर हमें फोकस करना होगा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं SGX निफ्टी और हांगकांग के बाजार में अच्छी मजबूती है और ये मजबूती अगर जारी रहेगी भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। FIs की लगातार 13 दिनों की खरीदारी अनदर पॉजिटिव, लगातार हम देख रहे हैं FIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी देखी जा चुकी है। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आते हुए देखे, एस्ट्रो के नंबर्स स्ट्रॉन्ग, काफी पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले। मुनाफे में हमने करीब 43% तक की बढ़ोतरी देखी और साथ ही बर्जर पेंट्स पर भी फोकस रखिएगा। पेंट स्टॉक्स पर ही नजर है, बर्जर पेंट्स की भी अच्छी कमेंट्री के दम पर आज स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आज के सत्र में भारतीय एयरटेल, ग्रैन्यूल्स इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, तो इन तमाम नतीजों पर हमें नजर रखनी होगी। तो पावर पैक दिन है, इंडेक्सेस ने कल मजबूती दिखाई और आज रिजल्ट का एक्शन है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेड की बातें हम आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ किरण जानी और साथ में वैशाली भी जुड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग किरण, वैशाली, आप दोनों को। वैशाली, आपसे शुरुआत करते हैं। बाजार का ब्रेकआउट जैसा माहौल बन रहा है, आज तो गैप अप, आज भी गैप अप होगा करीब 50 पॉइंट का। कैसे ट्रेड करने को बता रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों? वेरी गुड मॉर्निंग। सो ऑफकोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है बिकॉज ऑलरेडी मिल चुकी है कई दिनों से। सो आई एम श्योर एवरीवन इज होल्डिंग टू लॉन्ग पोजिशन। 18,500 अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो वी आर रेडी फॉर 18,600 ऑल्सो। बट एक 18,500 का एक लेवल ऐसा है कि जहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार जरूर नोटिस करना चाहिए वेदर वी आर होल्डिंग और नॉट। बैंक निफ्टी भी उसी अनुसार मजबूत है, बाइंग के मौके काफी मिल चुके हैं, तो अभी भी होल्ड है। 44,200 इज द रेजिस्टेंस। एक बार वो अगर डिसाइसिवली मूव पास्ट होता है तो नेक्स्ट टारगेट आता है 45,500। सो इट इज अ बाइंग डिक्लाइन मार्केट, पर जैसे हम अभी गैप अप से खोल रहे हैं, सो जस्ट होल्ड ऑन विथ योर लॉन्ग पोजिशन। टू योर लॉन्ग पोजिशन, क्योंकि गैप अप को चेज करना उचित नहीं है। पुल बैक बने तो जरूर अपनी पोजिशन बढ़ाने की राह देखें आप। किरण, आप बताइए कैसे ट्रेड करें बाजार को, लॉन्ग आप भी होल्ड कर रहे हैं या आप धीरे धीरे मुनाफा वसूल करते जा रहे हैं? आप ज्यादा कन्विंस नहीं है सैली से, जैसा डिम्पी ढूंढ रहे थे कि शॉर्ट के मौके कहाँ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टू लास्ट वीक जब हमने बात की थी तब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जिस तरह से 18,200 को एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मार्केट ने, हमने देखा कि लास्ट वीक में 18,200 के ऊपर
मार्केट सस्टेन हुआ, और इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि जब भी कोई गिरावट आती थी 18,200 वुड बी द बेस्ट सपोर्ट। हमने देखा कि मल्टीपल जो बॉटम बने नीचे में जहाँ पे 18,042, 18,055, 18,134, सो क्लियरली असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। और कल हमने जो 18,300, 350 का रेजिस्टेंस जोन था उसको भी क्रॉस किया। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव की पोजीशन देखें या तो एफआईआई की पहले कैश में देखें तो 13 दिन से हम कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव साइड में भी कल हमने देखा कि 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऊपर ऐड हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आप कॉल बाइंग की बात करोगे तो 1,00,000 लॉट है, लेकिन पुट सेलिंग जो हुआ है वो 1,94,000 लॉट है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटिंग, जिस तरह से पुट राइटिंग हो रहा है, एक अग्रेसिव लॉन्ग यहाँ बिल्टअप हो रहा है। साथ ही साथ आप पीसीआर रेशियो देखोगे तो काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का पीसीआर रेशियो 1 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी हम अग्रेसिव लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं। कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए। 18,400 पॉइंट के ऊपर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है और 18,500 एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी है, तो चांसेस है कि कोई डिप मिलता है तो ये डिप हमें बाई ही करना चाहिए। हम थोड़ा कॉशियस बाई दे रहे हैं नीचे। सो 18,250 से 300 तक का वेट कीजिए, आप किसी भी गैप अप को चेज मत कीजिए। 18,500 तक के हमारे टारगेट है, और अगर आप 18,250-300 के आसपास बाई करते हैं तो 18,140 एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैं बात करूं, सो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आप पीसीआर रेशियो ओवरबॉट जोन के अंदर भी है, 1.46 के आसपास है, ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप इनकम मनी ऑप्शंस के कॉल राइटिंग देखोगे तो 44,000 के अंदर 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड है। सो कहीं ना कहीं 44,200 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। सो बैंक निफ्टी में हमारा कंडीशनल बाई है, या तो 44,200 के ऊपर बाई कीजिए या तो फिर नीचे में कूल ऑफ होने दीजिए। 43,700 के आसपास आता है तब बाई कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमारा है वो 43,400 है। इनिशियल लेवल पे हम 44,500 का टारगेट देख रहे हैं, और 44,500 क्रॉस करते ही देयर आर चांसेस कि हम 45,000 के ड्रीम लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में हम बुलिश है, कोई भी डिप आता है बाई कर सकते हो, और बैंक निफ्टी में हम अग्रेसिव पोजिशन 44,200 के ऊपर ले सकते हो। ओके ठीक है, तो व्यू पॉइंट आपको इंडेक्स का तो मिल गया। हम स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपके सामने कॉल्स रखेंगे, लेकिन इससे पहले जरा तीन अहम शेयर जो खबरों से आज कनेक्टेड हैं वो पता कर लेते हैं, यानी कि आज के त्रिमूर्ति शेयर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए आज के त्रिमूर्ति। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा जुपिटर वैगन्स, और यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया कि लगभग 125 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं क्यूआईपी इशू द्वारा, और जो की अलॉटीज हैं वो इंक्लूड करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, अनंता कैपिटल, आईटीआई म्यूचुअल फंड और रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज फंड। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है रेप्रो इंडिया, और वहाँ पे स्टॉक कल जो है लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगा था, और इस स्टॉक में जो है माधुरी केला ने लगभग 4,75,000 शेयर्स यानी कि 3.74% स्टेक की एक्विजिशन की है। अब ये आइडेंटिटी जो है मधुसूदन केला द्वारा प्रमोटेड आइडेंटिटी है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि मलाबार इंडिया फंड जो है सेलर रहे लगभग 5,00,000 शेयर्स की, यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा होम फर्स्ट फाइनेंस, और कल जो थे इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स देखने मिले थे, और यहाँ पे बायर्स इंक्लूड करते हैं नॉर्जिस बैंक जो ऑलमोस्ट 2.4% स्टेक लिए हैं, और सोसिएट जनरल जहाँ पे 0.8% स्टेक की जो है बाइंग देखने मिली है। ओवरऑल जो सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे तीन सेलर्स थे जहाँ पे एट अ कम्बाइंड 3.2% स्टेक 330 करोड़ रुपीज़ में बेचे थे, जिसमें इंक्लूड करते दो प्रमोटर आइडेंटिटीज जिनका नाम है ट्रू नॉर्थ फंड और एथर मॉरिशियस, और तीसरा सेलर था वॉबर्ग पिंकस की एफिलिएट। स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं इनमें से। होम फर्स्ट फाइनेंस को लेके आई है डॉक्टर साहब, पिछले एक साल का ग्राफ दिखाइए, ये जो इसके अंदर एक्शन हुआ है इसका इंपैक्ट आएगा क्या? एक साल में स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म किया है, क्या इसका समय बदल रहा है? ये देखिए एक साल का ग्राफ, इनफैक्ट ऊपर 970 का भाव हुआ करता था, इस समय 690 में मिल रहा है आपको नीचे में। अब आप इसका एक महीने का ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब, एक महीने में चीजें बदली हैं क्या? कल ब्लॉक डील हुआ है, वही भाव वही है 700 के आसपास, एवरेज भाव अगर आप देखें तो 700 के आसपास ही अटका हुआ है। किरण जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए, काफी अच्छे हाथ आए हैं इसमें, क्या इसमें एक मौका बन रहा है या आप छोड़ देंगे इसको, अवॉइड करेंगे? सो होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है, और कल जो एक फॉल आया था उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से वॉल्यूम हुआ है मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब नीचे में जिस तरह से 690 का सपोर्ट है, अगर 690 टूटता है तो चांसेस है कि हमें 660-670 के आसपास मिल सकते हैं, तो दैट वुड बी द बेटर लेवल टू एंटर इनटू द मार्केट। सो मेरे हिसाब से 660-670 का आप वेट कीजिए, अगर उस जोन में कोई भी डिप आता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 640 के नीचे का रखना है, और अगर इस बार 670 के लेवल को डिफेंड कर लेते हैं तो चांसेस है कि हम इसमें एक अच्छा सा उछाल देख सकते हैं जहां पे 750 तक के हमारे टारगेट रहेंगे।
तो मैं रिवाइज कर दूं, हम 670 के आसपास लॉन्ग करेंगे 640 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा हमारा 750। करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 500 तक के टारगेट्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस, गिरावट में खरीदारी और अच्छा मौका इस वक्त होम फर्स्ट फाइनेंस में खरीदारी करने का। आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं वो आप समझते हैं। वैशाली, आप बताइए कौन से आइडिया स्पॉट किए आपने आज। गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि माहौल पॉजिटिव ही है तो फ्रंटलाइन में काफी स्टॉक्स जो नहीं चले हैं, अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है, तो वन ऑफ देम इज भारती एयरटेल। कल देखा कि थोड़ा वॉल्यूम पिकअप भी हो रहा है एंड टेक्निकली वेरी वेल प्लेस। सो 797 करंट मार्केट प्राइस है, 780 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं रेकमेंड करूंगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 820 और पोजिशनल ट्रेड रखेंगे तो 850। और दूसरा है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस गेव अ वेरी गुड क्लोज विथ अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, सो 95 के स्टॉप लॉस के साथ 105। ठीक है, ये कुछ एक ट्रेड आपको यहाँ पे पता लग रहे हैं, L&T होल्डिंग फाइनेंस और भारती एयरटेल, इन दोनों पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, दोनों अच्छे चलने वाले शेयर हैं। सर, इस बीच आपके ट्रेड क्या है? सो हमारे दो कॉल है, दोनों बाई तरफ है। पहला है भारतीय एयरटेल। रिजल्ट के पहले पहले हमने देखा है कि स्टॉक एक बड़ी सी रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दे रहा है। हमने देखा है कि काफी दिनों से ये स्टॉक ऊपर में 790-800 के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। नीचे में हमने देखा था 750-760 का एक सपोर्ट था। इंट्राडे चार्ट हम देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। कल हमने देखा कि 800 के ऊपर स्टॉक गया, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रिजल्ट से पहले या तो रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा सा अपसाइड इसमें हम देख सकते हैं। तो 797 के आसपास ट्रेड कर रहा है भारतीय एयरटेल, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 814 का टारगेट है, एज अ स्टॉप लॉस हम 784 मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में आप इंट्राडे चार्ट्स पे देखोगे तो एक बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 6700 के आसपास। कल हमने देखा था एक पुलबैक भी आया नीचे में, लेकिन वापस स्टॉक 6700 के ऊपर सस्टेन हुआ, 6710 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 6840 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 6650 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो बजाज फाइनेंस एंड भारतीय एयरटेल बोथ आर द बाय कॉल्स। ठीक है, आपके लिस्ट में भी भारतीय एयरटेल है, वैशाली की लिस्ट में भारतीय एयरटेल है। आज अर्निंग के हिसाब से भी भारतीय एयरटेल ध्यान देना होगा, क्योंकि आज उसके नतीजे हैं और नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित भी जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए, ट्रेडिंग कॉल्स पहले मिल गई हैं, नंबर्स आप बता दीजिए कैसे आ रहे हैं। अगर कंसोलिडेट बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 2-2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होंगे अराउंड 51.4% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 81% का ग्रोथ होगा। बट एयरटेल के नंबर्स में इंडिया मोबाइल बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी इंडिया मोबाइल बिजनेस की वो सिर्फ 1.5% की होगी, जो कि सबसे स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगी पिछले 10 क्वार्टर में। और ये इसलिए है क्योंकि कोई भी ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक नहीं लिया गया था Q4 ऑफ FY23 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ARPU का जो नंबर है वो 196 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है, पिछले क्वार्टर ये नंबर 193 का था। अब जो भी ये मार्जिनल ग्रोथ हमें ARPU में देखने मिल रहा है वो इस कारण है क्योंकि जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स थे वहाँ पे एक हाइक देखने को मिला था हमें, और ये जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में हाइक था ये स्टैगर्ड बेसिस में लिया था कंपनी ने पैन इंडिया वाइज अगर आप देखेंगे तो, और इसी कारण इसका पूरा बेनिफिट Q4 में रियलाइज़ नहीं होगा जबकि Q1 ऑफ FY24 में रियलाइज़ होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में भी मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो डिक्लाइन भी कर सकता है एयरटेल का, तो ये नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर बिजनेसेस जो है, जो कि ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज है, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, बट DTH बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो सिक्वेंशियल बेसिस पे वीक आ सकती है, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। अब अफ्रीका के नंबर्स कुछ दिन पहले ही कंपनी ने रिपोर्ट कर दिए गए थे और वो नंबर्स प्रीटी मच इनलाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है टैरिफ हाइक को लेके, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा 5G को लेके क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स उन्हें देखने मिल रहे हैं, कैसा सब्सक्राइबर एडिशन का पेस रहा है ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स है और बाकी बिजनेसेस में कैसा रेवेन्यू ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स पर। ठीक है, ये तो हो गया भारतीय एयरटेल में ट्रेड और आपको रिजल्ट प्रीव्यू, लेकिन एस्ट्रल के में भी बात करना जरूरी है। एस्ट्रल कल नंबर बहुत सॉलिड आए, वामाक्षी मैं आपके पास आता हूँ अभी ब्रोकरेज व्यू के लिए, लेकिन एस्ट्रल के नंबर बहुत अच्छे आए। एस्ट्रल अपने पाइप सेगमेंट में लीडर है, ये चलेगा तो बाकी के पाइप वाले स्टॉक है भी। कल आपने देखा DLF में क्या हुआ है, सेक्टर लीडर ने मजबूत नंबर दिए, मजबूत कॉमेंट्री दी, सारे रियल इस्टेट स्टॉक्स चल पड़े। तो एस्ट्रल की का इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, हाईटेक पाइप्स के ऊपर आता है, APL अपोलो के ऊपर आता है और बहुत सारे महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर आता है। ये सारे स्टॉक्स आप निकाल के लिए एक महीने के एस्ट्रल के मजबूत नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा।
एस्ट्रल में आज ट्रेड बनता है क्या? पिछले एक महीने में आपने देखा 8% ऊपर चल रहा है। वैशाली, एस्ट्रल के जरा चार्ट देखिए, बताइए, या आपको लगता है कि अगर पाइप ही खेलना है तो कुछ और पाइप के स्टॉक्स ज्यादा मजबूत हैं? तो आई थिंक एस्ट्रल पाइप्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक ट्रेडिंग के लिए आज भी मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लूंगी बिकॉज इट्स रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। तो अगर ये स्टॉक 1600 के लेवल्स पे ऊपर अगर जाता है तो आई वुड से दैट इट इज रेडी फॉर 1620-1630। सो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार भी होना चाहिए एंड आई थिंक बाइंग डिप भी रहेगी। और आप दूसरे पाइप्स की बात करेंगे तो मुझे हरिओम पाइप्स काफी ठीक लग रहे हैं, लॉट ऑफ अपसाइड स्कोप स्टिल लाइकली, तो हरिओम पाइप्स भी डिक्लाइन में लेना चाहिए बिकॉज ये सब स्टॉक्स आई थिंक ट्रेडिंग के अलावा आई थिंक इट इज गुड फॉर पोजिशनल ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म पिक ऑल्सो। तो हरिओम पाइप ऑल्सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो ये दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है। इनफैक्ट जब ना आपने पाइप स्पेस की बात की है, होम इम्प्रूवमेंट थीम तो वैसे चल ही रहा है, लेकिन जब आपने हरिओम पाइप का जिक्र नहीं किया मैं वही सोच रही थी, हमने करीब 240-250 के लेवल्स पर हरिओम पाइप को देखा था और वहां से हमने एक राय दी थी। और अब यहाँ देखिए, मामला ये था उस समय, एक साल पहले की बात है ये, कि बहुत सारा पाइप कंपनी क्वालिटी पाइप कंपनी लिस्टेड नहीं थे और जो थे वो बहुत, एक तो एस्ट्रल था वो तो सेक्टर लीडर था, एक महाराष्ट्र सीमलेस था जो टर्न अराउंड हो गया था, लेकिन बाकी उसमें अगर आप पाइप ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। हाईटेक का हाल खराब था उस समय, बहुत सारे प्लेयर्स ही कम थे। तो महाराष्ट्र सीमलेस तो खैर इंडस्ट्रियल पाइप बनाता है, ऑयल एंड गैस वाला, रशिया में इशू हुआ तो वन साइड चलता चला गया, लेकिन ये सारे नए नए जो छोटे छोटे बैंक कंपनीज आए, हरिओम आया, प्रिंस आया, दो चार और भी आए, उसमें ये कंपनी अच्छा कर रही थी उस समय और लोगों के पास एस्ट्रल थोड़ा महंगा चला गया था। अब तो खैर अर्निंग्स के बाद वापस से वैल्यूएशन एडजस्ट हो गया इसका, काफ़ी तेजी से अर्निंग्स आई हैं, लेकिन इसलिए हमने इसके ऊपर बेट ली थी। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी आए थे और बहुत सॉलिड कमेंट्री देखे गए थे, लेकिन पाइप एज अ स्पेस एक बहुत अच्छी इवॉल्व हो गई है, इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और होम इम्प्रूवमेंट थीम, लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही पेंट स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर हैं। आइए वामाक्षी से जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं, ब्रोकरेजेस की राय क्या है। वामाक्षी आप बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम जेफरीज के रिपोर्ट के साथ जो पॉलीकैप पर आया है। उनका मानना है कि काफ़ी मजबूत एग्जीक्यूशन ये बार भी देखने मिला है और इनफैक्ट प्राइवेट केपेक्स और गवर्नमेंट मेजर्स के चलते उनका B2B डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज ने खरीदारी की राय जरूर बरकरार रखी है। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने 3630 से बढ़ाकर 4290 कर दिया है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे हायर एड स्पेंड्स के चलते अनुमान से कमजोर आए हैं, मगर FY24 के लिए डिमांड आउटलुक और मार्जिन रिकवरी का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है और उसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 611 के साथ। मैक्वायरी का हालांकि मानना है कि Q4 की जो सेल्स परफॉर्मेंस थी एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़ी स्लो थी और ग्रासिम की एंट्री एक की कंसर्न है। तो ओवरऑल मैक्वायरी ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय जरूर बरकरार रखी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 480 से बढ़ाकर 510% का कर दिया है। इसके अलावा HDFC लाइफ हमारे रेडार पर है। मैक्वायरी का मानना है कि कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है 17-20% ग्रोथ पोस्ट करने में APE और VNB में। मैनेजमेंट ने अपने ग्रोथ को रिइटरेट किया है रेगुलेटरी चेंजेस और बढ़ते कॉम्पिटिशन के बावजूद। तो ओवरऑल मैक्वायरी की तरफ से HDFC लाइफ पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 655% का। और आखिर में हम फोकस करेंगे मैक्स फाइनेंशियल पर। जेफरीज का मानना है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ मोमेंटम नजर आ रहा है, मार्जिन में स्लाइट कंप्रेशन नजर आया है, मगर रैंप अप ऑफ एक्सिस बैंक की रहेगा ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय जरूर आ रही है, टारगेट प्राइस 800 रुपीज प्रति शेयर के साथ। फाइनेंशियल जो है ये एक स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इसमें अब 800 रुपए के टारगेट आना शुरू हो गए। मैक्स फाइनेंशियल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है बाकी सारे आपके इंश्योरेंस स्टॉक्स की तरह, लेकिन मैक्स खास तौर पर ध्यान रखिए, ये धीरे धीरे 600 से 670 तक आ रहा है। उसमें ये 900 वाला घटा घट के 600 हुआ था, रेट तब जरा एक साल का चार्ट बताइए क्या इससे बॉटम बन गया है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री अगर आप देखें लास्ट एक महीने बड़ी सपोर्टिव आई है। और अब ये एक एक्सिस बैंक स्टॉक है, ये मत भूलिएगा एक्सिस के अंदर बहुत बड़ा स्टेक ले चुका है। ये देखिए नीचे में 609 का लो बना, अब आप दिखाइए डॉक्टर साहब एक महीने या तीन महीने का ग्राफ, मोमेंटम इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 800 के टारगेट है, क्या बेट करेंगे आप वैशाली मैक्स पे इस भाव से?
इम्प्रूवमेंट दिख रही है चार्टिकली काफी समय से 630 के रेजिस्टेंस के बाद अभी कल भी हमने देखी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बन रही है. सो आई वुड से दैट 630 का एक सपोर्ट है. व्यू गेट्स नेगेटेड बिलो 630 और अगर ये स्टॉक चल चुका और वॉल्यूम भी तो ठीक ठाक ही है आई थिंक ये पोजिशनल ट्रेड की तरह से भी 730 के लिए ट्रेड किया जा सकता है. और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा जहां पोटेंशियल ट्रेड बन रहा है और वो है बर्जर. बर्जर ने कल नतीजे कमजोर रहे हैं. बर्जर लेके आइए डॉक्टर साहब, कल का दिखाइए भाव बर्जर. ये देखिए, ये तो खैर ऑफकोर्स एक महीने में 50 रुपये चला है. क्यों चला है? क्योंकि क्रूड नीचे है, लेकिन कल रिजल्ट के पहले कमजोर बंद हुआ है. आज अगर आपको बर्जर कमजोर मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? इसकी मैं कॉमेंट्री आपको दिखाता हूँ. इसके नतीजे कमजोर हैं, एशियन पेंट के नतीजे मजबूत थे, लेकिन मैनेजमेंट ने आगे की जो कॉमेंट्री है बहुत मजबूत दी है. और ये बात भी कही है कि इस क्वार्टर जो मार्जिन में हिट आया जिसकी वजह से आपको नतीजे कमजोर लग रहे हैं वो एक्चुअली एड स्पेंड बढ़ा दिए उन्होंने, तो ऑपरेशनली नंबर बहुत खराब नहीं है. इसको देख के शॉर्ट मत करिएगा. क्या इसको इस भाव से, डॉक्टर साहब लेके आइए इस भाव से, क्योंकि इसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स बहुत हैं, कॉमेंट्री अच्छी है, क्रूड अभी भी भागा नहीं जा रहा है, तो आप क्या बर्जर को लेंगे किरण इस भाव से? की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़े से करेक्शन के बाद हमने देखा कि ये स्टॉक 860-870 का हाई बना है. उसके बाद नीचे में मल्टीपल बॉटम हम देख रहे हैं कि 520-530 के आसपास बने. अब डेली चार्ट के ऊपर इस स्टॉक ने अपनी जो 200 डेज मूविंग एवरेज थी वो लास्ट टाइम जब टेस्ट की थी या तो तोड़ी थी वो तब उसका भाव 770 था. अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 600 रुपए के आसपास उसने अभी अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया है. डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना है और साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी 602 के आसपास आया हुआ है. सो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 620-615 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी डिप आता है 615 तक या इनफैक्ट इवन 600 तक भी कोई डिप आता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग. जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, आप 600 के नीचे का यानी कि 590 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एक पोजिशनल बैट लीजिए. और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है हम 700 तक के लेवल डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बर्जर पेंट के अंदर, तो लेना चाहिए कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस पे बर्जर पेंट को. एक कैश का स्टॉक है विशाली, आप जरा देखेंगे, उसका नाम है जुपिटर वैगन्स के नाम से. ये असल में पहले सेपको के नाम से, आज भी इनकी वेबसाइट सेपको के नाम से ही है. ये जो ट्रक के पीछे बॉडी लगी होती है और अलग अलग ट्रक्स के पीछे बॉडी होती है, टैंकर होते हैं, दूसरे होते हैं, ये सब वही बनाते हैं. रेलवे के वैगन भी बनाते हैं ये, इसलिए वैगन्स भी आ गए पीछे इसके नाम. इसने 125 करोड़ रुपये जुटाए हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके. शेयर 38 रुपये से 115 हुआ वो शेयर है. अभी और चलेगा क्या? खबर आई है, हमने इसको त्रिमूर्ति में भी डाला है. इनसे वॉल्यूम अबव एवरेज है, सो दैट मींस डेफिनेटली देयर इज अ बाइंग इंटरेस्ट. और ग्रेजुअली देखिए तो ट्रेंड भी इंप्रूव होता जा रहा है. सो 110 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है एंड आई थिंक नियर टर्म ट्रेडिंग टारगेट इज 125 टू 127 लेवल्स. सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार ले सकते हैं. स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेंटेन करके आप ले सकते हैं. जो त्रिमूर्ति सेगमेंट का हिस्सा था और त्रिमूर्ति सेगमेंट का ही हिस्सा रेप्रो इंडिया का स्टॉक भी. चार्ट्स लेकर आएंगे. रेप्रो इंडिया में कल हमने अपर सर्किट देखा था और पिछले एक महीने का ट्रेंड अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के बीच स्टॉक में करीब 32% तक की तेजी देखी जा चुकी है. अब यहाँ पर खरीदारी, यहाँ पर माधुरी केला ने करीब 4-5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है और उसके सामने मालाबार इंडिया फंड ने करीब 5.25 लाख शेयर्स की बिकवाली की है. एक न्यूज फ्लो है, लेकिन किरण आपकी राय रेप्रो इंडिया पर चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं? वैसे चल गया है पिछले एक महीने में, लेकिन यहां से पोजीशंस कैसी नजर आएगी? इंडिया राइट जी किरण. सो मेट्रो ब्रांड्स रेप्रो इंडिया सो रेप्रो इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमने देखा था कि एक जो बड़ा सा क्रैश इसमें आया था 670 के आसपास से आया था, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है. यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, लेकिन कल जिस तरह से हमने एक यहाँ पे अपसाइड देखी है
इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इस पे वेट एंड वॉच कीजिए, डिप पे बाई कीजिए, कोई भी डिप अगर आता है इसमें 470-480 का तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 450 के नीचे रखना है, और अगर ये स्टॉक 470 के लेवल को डिफेंड कर लेता है तो चांसेस है इनिशियल लेवल पे आप 530, और जैसे ही 530 क्रॉस होगा तो डेली चार्ट पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी कहलाएगा। सो 530 के ऊपर इस पे और ज्यादा तेजी हम 650 तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, कोई भी डिप आता है तो डिप पे बाई कीजिए क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड भी कर सकते हो और कोई भी डिप पे बाई भी कर सकते हो। प्रो अब बात करते हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स की। जबरदस्त तेजी कल हमने देखने को मिली है, खैर चल तो थोड़े दिनों से रहे थे लेकिन कल एक साथ सब चलने लगे। क्यों? डीएलएफ के रिजल्ट्स बहुत मजबूत आए और डीएलएफ ने कमेंट्री भी बहुत मजबूत दी है, रिजल्ट भी अच्छे कमेंट्री भी अच्छी। लोगों को ये लगा कि अगर डीएलएफ के लिए बात सच है कि मोमेंटम है तो ये बाकी सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर भी बात सच होगी कि मोमेंटम है, नंबर अच्छे आने की उम्मीदें बढ़ गई। लेके आइए डायरेक्टर साहब, मैक्रोटेक, ओबरॉय, प्रेस्टीज, अनंतराज, दिल्ली की कंपनी। तो दिल्ली और बॉम्बे की जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं वहां पे हमें बड़ा मूव कल देखने को मिला। ये देखिए, ये एक महीने के ग्राफ हैं, ये बताते हुए 1000 के ऊपर आ गया मैक्रोटेक। वैशाली, अगर ये रियल एस्टेट स्टॉक्स से ट्रेड करने का मूड बन रहा है, माहौल ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट शायद पॉज हो गए या पीक आउट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन वैसे ही आ गया, ये मोमेंटम अगर खेलना है तो किस में खेलेंगे आप, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए? वन गुड स्टॉक जो मेरे ध्यान में है और ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन। सो आई थिंक अनंतराज एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, 138 के स्टॉप लॉस के साथ 148-150 के टारगेट के लिए। एंड फ्रंटलाइन में गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपसाइड स्कोप काफी है, सो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज अनदर स्टॉक जो मुझे सही लग रहा है। पोजिशनल ट्रेड की तरह भी आप लेंगे तो ये टारगेट 1450-1500 तो नियर टर्म है और उसके अलावा even higher potentials are there. So Godrej Properties is the one frontline में and Anantraj मैं दूंगी mid cap में। आप रियल एस्टेट में कल एक्शन देखने को भी मिला और रिपोर्ट्स भी लगातार जो आ रही हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट एनरॉक की तरफ से, उसका ये कहना है कि FY23 की अगर बात करें रियल एस्टेट सेल्स में ऑलमोस्ट 36% के अपमूव्स नज़र आ सकते हैं। अप साइकिल है जो कि मेंटेन होती हुई दिख रही है। लेकिन अजय, यूग्रो कैपिटल, हमने इस स्टॉक का जिक्र किया था, इस स्टॉक पर बातचीत की थी और अब यूग्रो कैपिटल के नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। नंबर्स हर लिहाज से पॉजिटिव हैं, अच्छी मजबूती के बीच स्टॉक में ट्रेड भी देखने को मिला है, पूंजी जुटाने को लेकर और QIP के जरिए भी। टेक्निकली एक बार चार्ट चेक करते हैं वैशाली, यूग्रो कैपिटल पिछले एक महीने के चार्ट्स को देखेंगे तो काफी मजबूती पाएंगे, लेकिन यहां से टेक्निकली क्या आप मूव्स नजर आ सकते हैं? चुका है, सो आई वुड से ऑफ कोर्स अपसाइड मूव आ सकता है बिकॉज ब्रेकआउट आ चुका है अबाउट 212, इट इज रेडी फॉर अ न्यू प्राइस रेंज, बट वाइज ट्रेडिंग वुड बी टू बाय इन डिक्लाइन। तो अगर 185-190 के आसपास मिलता है तो एक बाइंग का मौका बनेगा एंड आई थिंक इट विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव गोइंग टुवर्ड्स 225। सो ये लेवल पे फ्रेश बाइंग मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, बट जिसके पास हो वो जरूर होल्ड करें। तो चलिए, यूग्रो कैपिटल सालाना आधार पर नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें, करीब 16% की मजबूती देखने को मिली है, 44 करोड़ से सीधा 51 करोड़ पर टू फोल्ड प्रॉफिट्स में इजाफा देखने को मिला है। सीधा हमने देखा 6 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 14 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला, 133% तक की बढ़ोतरी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन चलिए कुछ और ब्रोकरेजेस का भी जिक्र करते हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है पॉलीकैब पर और पॉलीकैब स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है, काफी अच्छी मजबूती है। मैं आपको हैरानगी होगी एक बात में, कल मैं देख रहा था रिजल्ट, लिखे आइए जरा डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास हैं पॉलीकैब के, आपको पता है इस समय पॉलीकैब क्वार्टरली नंबर जो प्रॉफिट कर रहा है करीब करीब 500 करोड़ के आसपास कर रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसका IPO आया था वैशाली, आपको याद है 3-4 साल पहले इसका IPO आया था पॉलीकैब का। कल मेरा ध्यान जब गया तो मैं ये सोचने लगा कि क्यों ये स्टॉक, डॉक्टर साहब आपके पास जितना भी लंबा ग्राफ है पॉलीकैब का आप दिखा दें, 3-4 साल 5 साल जो भी है, आपको मालूम चलेगा व्यूअर्स को, ये बहुत ज़रूरी है बताना। एक तो ये स्टॉक हम 3000 से नियर टर्म में ट्रैक कर रहे हैं, इस समय जो क्वार्टरली प्रॉफिट पॉलीकैब का है, अभी 4 साल पहले जब इसका IPO आया था उस समय एनुअल प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास था। पॉलीकैब की बात कर रहे हैं हम, पॉलीकैब वो फिलिप्स कार्बन ब्लैक चला दिया आपने, कोई बात नहीं, बट पॉइंट ये है कि ये कंपनी ने जो क्वार्टरली प्रॉफिट अब है, पहले एनुअल हुआ करता था, ये मुनाफा बढ़ा है इतने सालों में और आप देख रहे हैं क्या वैल्यू क्रिएट की है इस स्टॉक ने। अब आप दिखाइए 1 महीने 3 महीने, तो ये नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म,
शॉर्ट टर्म में मोमेंटम इसके अंदर कायम है और आप इस समय एक महीने का ग्राफ देखिए 300 रुपये चला एक महीने में, गजब। वैशाली, पॉलीकैब यहां से भी जूस है क्या शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में लेना चाहिए क्या पुल बैक में, क्योंकि पुल बैक मिला है अभी 10 दिन पहले 150-200 रुपये का पुल बैक मिला था जिस जो पूरा कवर हो गया। तो ओवरबॉट में है सो लेने के लिए आई थिंक इट इज नॉट राइट, थोड़ा डिक्लाइन में चांस मिले अगर 3-5-0 के आसपास तो भी ठीक है टू मेक इट अ फेवरेबल ट्रेड, बट ऑफकोर्स जिसके पास हो ये जरूर होल्ड कर सकते हैं बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक 3600 की तरफ भी जाए तो। पुल बैक पे खरीदें ये बहुत जरूरी है बताना, बे इंतहा पीछे पीछे मत लग जाइए स्टॉक के, चेज मत करिए, मोमेंटम है सही बात है लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन में पुल बैक में तब लें। शर्मिला जोशी आ चुकी हैं हमारे साथ, जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, आप इतने दिनों बाद हमारे शो पे आई हैं, कहाँ आप इतनी मसरूफ़ थी, हम तो बहुत आपको याद कर रहे थे, इसीलिए मैंने हम अपने इस कोऑर्डिनेशन से बोला कि शर्मिला जी को लेके आइए, बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई। चलिए आपको देखते ही ना मुझे ऑटो स्टॉक्स ध्यान आ गए, टाटा मोटर्स एक तो उसमें ज़बरदस्त तेज़ी, हालांकि लास्ट चलना शुरू हुआ वो ऑटो में थोड़ी लैगर्ड रहा है लेकिन लेटेस्ट रैली है उसमें, लेकिन जो रैली है वो बहुत ज़बरदस्त है, 550 का भाव अभी आ गया, 530 तो आ ही गया है, ये रीरेटिंग कैंडिडेट यहाँ से भी है क्या आपकी राय में? जब नतीजे आए तो जैसे कि आपने देखे ही होंगे बहुत अच्छे नतीजे थे और डिविडेंड भी आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स उन्होंने डिक्लेयर किया, तो जो मैं नोट्स पढ़ रही थी अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रिजल्ट्स के बाद, तो उनमें जिस वजह से लोग अभी भी ये स्टॉक पर पॉजिटिव है सो दे आर यू नो द स्टैंडर्ड रीजंस की पैसेंजर व्हीकल्स और सीवीज में अच्छा, JLR का अच्छा चल रहा है और ईवी फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव काफी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा पॉजिटिव अभी कैप्चर होना बाकी है इन सब में वो ये है कि यू नो अगर आपको याद होगा तो शायद मेरे सबसे पिछले महीने और या तो 3-4 हफ्ते पहले उन्होंने एक JLR पीस में उनके एक ईवी रेडी होने का प्लान बहुत बड़ा अनाउंस किया था, सो आई थिंक यू नो उसका जो अपसाइड है ना दैट विल स्टार्ट स्लोली गेटिंग फैक्टर्ड इन, सो टू आंसर योर क्वेश्चन शॉर्टली मुझे लगता है कि यहाँ से भी अपसाइड है स्टॉक में, शायद तुरंत नहीं आए लेकिन जिस तरह के उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए ईवीज को लेकर ऑन अ ग्लोबल स्केल वो काफी एक्साइटिंग है, सो आई थिंक यू नीड टू कीप इट ऑन योर रडार फॉर दैट। ओके तो चलिए टाटा मोटर्स और ऑटोमोबाइल पैक पर जहां हम बात कर ही रहे हैं ऑटो एंसिलरी को भी एक बार क्विकली टच बेस कर लेते हैं और ऑटो एंसिलरी की भी एंसिलरी फिलिप्स कार्बन के भी नंबर्स आते हुए देखने को मिले। वैशाली आपसे जानना चाहूंगी ये स्टॉक मूव नहीं कर पाता लेकिन इस वक्त नंबर्स अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, हर लिहाज से नतीजे काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। PCBL Q4 में अगर देखेंगे कंपनी की आय में करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुनाफा भी 16% बढ़ा है, टेक्निकली क्या चार्ट्स और अपमूव दिखा सकते हैं, स्टॉक एक रेंज में ही रहता है काफी समय से। मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम आना चाहिए बिकॉज जिस तरह कल की एक मूवमेंट देखी है आई थिंक ये स्टॉक चल जाएगा और टेक्निकली मैं देख रही हूँ RSI और सब भी फेवरेबल में है तो आई थिंक 128 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक जरूर ले सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी लाइकली टू गोइंग टू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम फॉर अ टारगेट ऑफ 140-145 बिकॉज वैसे तो देखो तो ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंड में आ चुका है, जस्ट 2-3 दिन से ये कंसोलिडेशन में है जैसे, बट एज आई सेड कल का एक पिकअप जो आ रहा है मुझे लग रहा है न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम की शुरुआत है। ठीक है, एक और शेयर है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कल, उसके नतीजे आने के बाद चर्चा उठी, वो था इथॉस, लग्जरी घड़ियां बनाती है। कल पंकज टिबरीवाल हमारे साथ जुड़े थे, ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में जो लग्जरी वाले सेगमेंट है ना वो सभी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रमोटर्स ने ना 1.5 लाख शेयर बेच दिए नंबर आने के बाद, शेयर 50% चलने के बाद जब से लिस्ट हुआ है। अब मेरे को किरण एक बार जरा आप चेक करके बताएंगे हो गया पूरा के कोई कैप लग रहा है या फिर अभी थोड़ा और ये चल सकता है शेयर, या फिर अभी जिनके पास ही पोजीशनें पड़ी हैं एक राउंड की प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं।
इथॉस की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था एक अच्छा खासा अपमो आया, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं आया, और कल जिस तरह से स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नया अगर किसी को लेना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास है वो कहीं ना कहीं 1210-1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये 1200 तोड़ता है तो फिर चांस है कि वापस अपने जो प्रीवियस रेंज था 1000 से 1100 उस रेंज में आ सकता है, तो वहां पे फ्रेश बाइंग होगी। सो एज ऑफ नाउ फ्रेश बाइंग तो नहीं, 1200 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। और जिस तरह से फ्राइडे के सेशन का हाई बनाया था, अगर कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापिस यहाँ से 1340-1350 क्रॉस करेगा तो फिर इसमें वापस मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा। नीचे में 1200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 1350 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो ये 150 रुपीज के अंदर थोड़े दिन कंसोलिडेट होगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अपसाइड अगेन। सो ओवरऑल 1200 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो इथॉस पे आपकी रिकमेंडेशन। एक पहले बता रहे थे ब्रेक के पहले कि जम्मू एंड कश्मीर में एक जबरदस्त रंगत वापस आ गई है। मैं आपको बता दूं कि खबर यह है कि करीब करीब 300 ऐसी डेस्टिनेशंस जम्मू एंड कश्मीर में आइडेंटिफाई की गई हैं जो फिल्म डेस्टिनेशन बन गई हैं शूटिंग की। करीब 200 फिल्म्स ऑलरेडी शूट भी हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अरविंद जी भी हमारे डायरेक्टर साहब पूछ रहे थे कि भाई इसमें नया क्या है। भाई नया इसमें यह है कि ये सालों से नहीं दशकों से कारोबार के लिए J&K बंद था। कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। J&K में एक बड़ा मल्टी डेकेडल टर्न अराउंड हो रहा है और ये सिर्फ देश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये सारे फिल्म कंपनीज स्विट्जरलैंड दुनिया भर की बाहर डेस्टिनेशन में जाते थे, और सिर्फ फिल्म वाले क्यों, हम और आप भी दुनिया भर की फॉरेन डेस्टिनेशन में जाते थे। लेकिन ये बदल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन वापस आ गया है, इंडस्ट्री वापस आ गई है। वो बलदेव जी आते हैं J&K बैंक के चेयरमैन, आप देख रहे हैं J&K के रिजल्ट कैसे घूम गए। तो अब इसके अंदर होटल और दूसरे कारोबार बढ़ते चले जा रहे हैं, खबर ये है। लेकिन हम बात करेंगे टूरिज्म स्टॉक्स की। सुनने में आया है कि ताज भी वहाँ पे नया होटल खोल रहा है और बहुत ज़्यादा टूरिज्म आ गया है। तो मैं पूछूंगा शर्मिला से, J&K बैंक तो खैर एक डायरेक्ट प्ले है J&K खेलने के लिए, क्योंकि उनका 90% कारोबार वहाँ से आता है, रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन स्टॉक थोड़ा टॉप आउट हुआ। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म की बात करें शर्मिला, कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? इंडियन होटल के भी नतीजे बहुत सॉलिड थे बट 3-4x हो चुका है, दूसरे होटल स्टॉक्स आप कैसे खेलेंगी टूरिज्म को, डोमेस्टिक टूरिज्म में जो बूस्ट आ रहा है? डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि आई थिंक कि होटल स्टॉक सभी में काफी रन अप हो चुका है, और इंडियन होटल्स खैर अच्छा लगता ही है, लेमन ट्री भी ठीक लगता है, लेकिन आउटसाइड होटल्स अगर आप पूछेंगे तो जो ऑनलाइन वो टिकटिंग ये जो ईज माई ट्रिप वगैरह थे उनके अलग कंसर्न थे, जो न्यू एज कंपनीज की और एयरलाइंस की अपनी अलग दिक्कतें चल रही है। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉक्सी प्लेस है शायद उनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि अगर इतने टूरिस्ट जाते हैं तो जो लगेज स्टॉक्स है मेरे हिसाब दोनों में, दो जो लिस्टेड स्टॉक्स है दोनों में काफी बड़ा रनअप भी देखा है, और आई थिंक VIP के नतीजे आ गए वो काफी अच्छे थे। सफारी के मैंने शायद रिजल्ट्स नहीं देखे, लेकिन सफारी एज अ स्टॉक स्मॉल कैप है लेकिन काफी अच्छा चल रहा है। तो आई थिंक उस तरह के, या अपैरल, क्योंकि आप छुट्टियों पे जाएंगे तो यू नो पीपल डू टेंड टू बाय मोर क्लोथ्स, तो उस तरह के प्रॉक्सी प्लेस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अदर देन होटल्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं टूरिज्म से, उसमें मुझे इतने स्टॉक्स पसंद नहीं है। ओके तो चलिए, यहाँ पर टूरिज्म स्पेस की जहाँ बात हो रही है, होटल स्पेस की जहाँ बात हो रही है, और लीजर की बात हो रही है, ऐसे में मल्टीप्लेक्स स्टॉक PVR पर भी नज़र होनी चाहिए। और वैशाली आपसे जानना चाहेंगे, PVR के नतीजे आए इनलाइन अनुमान के मुताबिक नंबर्स थे, और ये क्वार्टर इनफैक्ट PVR आईनॉक्स मर्जर के बाद का पहला क्वार्टर था जबकि नतीजे हमारे सामने आए। मुनाफा अगर इनफैक्ट लॉसेस अगर देखें, घाटा घटता हुआ ज़रूर देखने को मिला है, लॉस अभी भी पोस्ट हुए हैं, लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे करीब 113% की सालाना आधार पर बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो PVR आईनॉक्स मर्जर जो है काफी कंपेलिंग सिनर्जी क्रिएट करता है, आपकी राय क्या होगी? एक्चुअली ये स्टॉक कल तक तो एक नया लो बना ही रहा था, बट राइट नाउ अभी जैसे मैं देख रही हूँ इंडिकेटर्स एंड ऑल, आई थिंक इट इज ऑन अ रोड टू रिकवरी। सो फिलहाल अगर देखा जाए 1465 का प्राइस चल रहा है, 1400 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और इसमें थोड़ा अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज एक बार ये स्टॉक से 1570 को क्रॉस करता है देन आई थिंक इट इज आउट ऑफ द नेगेटिव टेरिटरी एंड इट इज ऑन अ रोड टू अपवर्ड मूव। सो आई वुड से कि ये लेवल पे जरूर लीजिए,
थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करिए, 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ नियर टर्म टारगेट रहेगा 1600, और 1600 के बाद आई वोंट बी सरप्राइज कि फर्दर रन अप एज अ बाउंस बैक ऑल्सो 1700 टू 1750 तक इसमें अपसाइड मूव मिल सकता है. सो एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ये स्टॉक में फिलहाल एंट्री लेनी चाहिए. ठीक है, एक मैक्स फाइनेंशियल पे भी रिकमेंडेशन है. जेफरीज ये कह रहा है कि 800 रुपये के टारगेट के लिए हम अपने बाय के साथ बने रहेंगे. एक बार आप चेक करेंगे किरण मैक्स फाइनेंशियल का शेयर. सो मैक्स फाइनेंशियल की चार्ट की अगर हम बात करें डेली चार्ट पे, जिस तरह से स्टॉक में हम एक देख रहे हैं कि ओवरऑल एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है. स्टॉक में 20-50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली जिस तरह से वॉल्यूम हम देख रहे हैं जब स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न स्टार्ट की थी, सो एवरेज वॉल्यूम उसके जो हो रहे थे वो 20 डेज एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हो रहे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है स्टॉक के अंदर. अब 640 का लेवल जो है वो एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे. कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जाइए. जब तक 650 का लेवल होल्ड है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 730-750 तक की रैली देख सकते हैं. तो मैक्स फाइनेंशियल डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे 640 के स्टॉप लॉस के साथ. जेंसर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी हो रहा है वैशाली, एक बार जरा आप देखेंगे बैक टू बैक अच्छे चली है. कल भी ये शेयर मिड कैप कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखे गया है. अभी ये साल के हाई पर भी है, पोस्ट नंबर्स भी चल रहा है. अभी क्या करना चाहिए अगर कोई इन्वेस्टर अभी जागा और जेंसर टेक्नोलॉजी को देख रहा है तो? तो अभी तो बाइंग का मौका नहीं है, थोड़ा डिक्लाइन में वेट करिए. फिलहाल 384 है, सो आइडियल लेवल टू गेट इनटू वुड बी 350. सो अग्रेसिव ट्रेडर्स है तो ऑफकोर्स ले सकते हैं बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देख रही हूँ एंड इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जिस तरह पैटर्न बन रही है आई थिंक 450-500 तक भी दोबारा जा सकता है. सो अगर मैं होती तो ये लेवल पे नहीं लूंगी, आई विल वेट फॉर 343. जिंजार टेक्नोलॉजीज पर ये राय एक बार मिलती हुई दिख रही है. वैसे टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर लगातार हम देख रहे हैं हैवी वेट्स के बदले मिड कैप टेक्नोलॉजी आईटी पैकेज जिस पर नजर होनी चाहिए. लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कल तो हमने बड़ा एक्शन देखा, अच्छी मजबूती के बीच बैंक्स फाइनेंशियल्स में कामकाज भी देखने को मिला. शर्मिला आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कैसे देख रहे हैं बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स को आप, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे भी आने वाले और पिछले दिनों में जो बैंक्स के नंबर्स आए उसमें क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ ही लगातार एनपीएस का घटना है जो कि बैंक्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद देखने को मिला है. बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देखें और बैंक्स फाइनेंशियल्स में बड़ी दिग्गज का बैंक्स और साथ ही छोटी मझौली बैंक्स पर भी आपका आउटलुक. यस सर, आई थिंक ये जैसे कि आपने कहा कि रिजल्ट सीजन काफी अच्छा रहा है बैंक के लिए और दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे लगता है जनवरी फरवरी में ये फीलिंग आ रहा था कि यहां यू नो बैंकिंग के नंबर्स अब पीक आउट हो गए और यहां से इंप्रूवमेंट आना मुश्किल है क्योंकि काफी अच्छे आ रहे थे नंबर्स बैंक्स के पिछले 2-3 क्वार्टर से. तो वेरी ऑनेस्टली ये अगर आप अर्निंग सीजन में मुझे दो सेक्टर्स पर मेरी नजर थी, एक आईटी और एक बैंकिंग एंड फॉर डिफरेंट रीजंस. और बैंकिंग जैसे कि आपने कहा कि काफी अच्छा डिलीवर किया है, उसके साथ साथ आई थिंक एनबीएफसी भी डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक इंडिकेशन आया कि यहाँ से शायद रेट हाइक्स यू नो आगे नहीं होंगी और उससे काफी हमने एनबीएफसी में भी बढ़त देखी है. बट कमिंग टू स्टॉक्स है लाइक आई थिंक अमंग द स्मॉलर बैंक्स है लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे लगता है कि इनके नतीजे भी अच्छे आए और जिस तरह का उनका ग्रोथ रहा है और यहाँ से भी आगे चलकर मुझे लगता है कि काफी अपसाइड है आईडीएफसी फर्स्ट में. एंड कमिंग टू पीएसयू, यस आई लाइक द स्पेस ऑब्वियसली. आई थिंक एसबीआई जो सबसे बड़ा बैंक है, नतीजे आने बाकी है. आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो लुक्स रीजनेबल, सो क्वाइट अ लॉट ऑफ डिसेंट पीएसयू नंबर्स हैव ऑल्सो कम. तो ये इस तरह के स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे. ओके, तो चलिए बैंक्स फाइनेंशियल्स पर इस वक्त राय मिलती हुई दिख रही है. लेकिन इस बीच कुछ और स्पेसेस जिसके नतीजे आ जाने वाले हैं. इनफैक्ट अगर हम देखें मेजॉरिटी निफ्टी के जो वेटेज के नंबर्स हैं वो आते हुए दिख चुके हैं. लेकिन हम कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी और उसके अलावा भी भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स है जिनके नंबर्स पर हमें नजर रखनी होगी. बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा वायदा बाजार में ग्रैन्यूल्स इंडिया के भी नंबर्स आने वाले. ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट एक बार किरण चेक कीजिए और बताइए यहाँ से कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं. कल के सत्र में इवन बिफोर रिजल्ट्स हमने कॉशियस ट्रेंड देखा है, करीब 1% तक की गिरावट ये स्टॉक कल देख रहा था.
सो ग्रैनुलर इंडिया की बात करें या तो फिर ओवरऑल फार्मा की बात करें, रिसेंटली एक रैली आई थी, वहां से हम कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। पर्टिकुलरली ग्रैनुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हम देख मोमेंटम इंडिकेटर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, अपने बुलिश है, जोन से रिट्रेसमेंट ले रहा है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर भी हमने देखा कि स्टॉक अपने 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेंड है। स्टॉक डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो उसके लोअर बॉटम के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 300 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही इसमें कुछ हम एक बड़ी रैली देख सकते हैं, जहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज 320 के आसपास है वहां तक की एक रैली एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये 300 के ऊपर नहीं गया तो प्रीवियसली जो बॉटम बनाया था 270 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहिए, कंडीशनल बाय रहेगा, 300 के ऊपर ही हमें फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। ओके ठीक है, ग्रेनस इंडिया, ये शेयर फार्मास्यूटिकल्स का अजब गजब वाला शेयर है। जब सारे शेयर चल रहे होते हैं तब ये नहीं चलता, जब ये चलता है तो सारे शेयर्स पीछे होते हैं। खैर एनी हाउ, आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, 35 पॉइंट की बढ़त अभी एसजेक्स निफ्टी में मिल रही है। आप रोज के आपाधापी से बचकर कुछ शांति वाले अच्छे शेयर, फंडामेंटल शेयर देखना चाहते हैं तो अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल से। वो आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से शेयर हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग, जरा आप शेयर्स बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग इटिनाउ टीम। सर दो स्टॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, दोनों स्टॉक्स मेरा ये व्यू है कि 2 साल की होराइजन से लेना चाहिए रादर देन बाइंग इट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला जो स्टॉक है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बजाज कंज्यूमर लिमिटेड है। सो अभी आप देखेंगे ये क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो पहली बार कंपनी ने काफी टाइम बाद मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखाया राइट नाउ, और ये स्टॉक्स में आगे जाके जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो अभी जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है राइट नाउ, तो इसका बेसिकली बेस ऑयल प्राइस जो एलएलपी है उसकी भी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। ऑलरेडी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% फॉल आया है और इसमें आगे जाके और भी फॉल आएगा बिकॉज इसमें 6 महीने का लैग इंपैक्ट रहता है। तो इसका एक ये एक सबसे, इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है, टिल 2020 तक जब ये कंपनी थी राइट नाउ लार्जली फोकसिंग कर रही थी 2020 के पहले तक इन लाइट हेयर ऑयल कैटेगरी विच इज आलमंड ड्रॉप करके एनी का प्रोडक्ट था। वो स्टॉक इन्होंने आगे जाके अभी धीरे धीरे इन्होंने नाउ दे लॉन्च इन न्यू प्रोडक्ट्स आल्सो, और नए प्रोडक्ट्स का इनको अब आगे जाके इनको बेनिफिट मिलेगा राइट नाउ। आई थिंक ये जो स्टॉक है आप 2 वर्ष की, और इसके अलावा इसका जो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट है राइट नाउ 20% ऑफ देयर सेल्स है, जो आगे जाके मेरे को लगता है 15% या 12% होगा, तो उसका भी इनको आपको मार्जिन में इम्पैक्ट मिलेगा। और इनको डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी आगे जाके नए प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना है, नए प्रोडक्ट्स का अभी ओवरऑल सेल्स में 15% के आसपास हो जाएगा, और आगे जाके ये कंपनी का प्लान ये है कि 35 से 40% नेक्स्ट 3 साल में हो। और कंपनी के पास कैश भी है, और कैश तकरीबन 600 करोड़ करीब का कैश बैठता है 500 से 600, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टॉक आप बना के रखिए अपने पोर्टफोलियो में, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है राइट नाउ। आई थिंक ये स्टॉक आप, मेरे को लगता है 2 साल में आपको ये 350 से 360 का भाव आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं वो है एक एसएमई का शेयर है, मीडन फोर्जिंग लिमिटेड। सो मीडन फोर्जिंग लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे राइट नाउ तो ये एक एसएमई में अभी रिसेंटली आईपीओ आया है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो हम जब मैनेजमेंट से मिले तो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा, यानी कि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और काफी ज्यादा डिमांड है। ये मेरे को लगता है ये जो अभी जो रेवेन्यू कर रहा है 350-220, ये रेवेन्यू आगे जाके 2 साल में 220 करोड़ से 350 करोड़ करीब का रेवेन्यू होगा, और कम से कम पैट मार्जिन कम से कम 6% के आसपास होगा। तो 20 करोड़ करीब का पैट हमें 2 साल में दिख रहा है। कंपनी ने एक्सपोर्ट्स में अभी अपॉर्चुनिटी बनाई है, अभी राइट नाउ ये यूएस में इंडिया में उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन है, और उसमें एक सबसे बड़ा प्लेयर है राइट नाउ। इसमें धीरे धीरे जीके वायर्स वगैरह नेल सेगमेंट में ये एक्सपोर्ट्स में कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कंपनी के आप क्लाइंटेल देखेंगे, टीटी के प्रेस्टीज हो गई, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सप्लाई करते हैं, ये अच्छी एक क्लाइंटेल है। मार्जिन दे आर गेटिंग इन टू द प्रोडक्ट्स जहाँ पे मार्जिन एक्रेटिव होगा। इसके अलावा ये एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के पास जो फैक्ट्री है दे आर मूविंग इट टू न्यूअर एरियाज, जो और बड़ी कैपेसिटी मूव करेंगे, और इसमें जो अभी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसको मूव करें, तो इससे कंपनी को मेरे को लगता है 25 से 30 करोड़ का कंपनी को एडिशनल
कैश आएगा वो मूवमेंट से। तो आज मार्केट कैप कंपनी का 80 से 90 करोड़ के बीच का है। आई थिंक 2 साल में ये स्टॉक मेरे को 250 रुपए के करीब का भाव आपको दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने स्टॉक पिक्स डिस्कस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स में पॉसिबल ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। वीएसटी टिलर्स ने बड़ी जबरदस्त कमेंट्री दी है, रिजल्ट भी ठीक ठाक था। इनफैक्ट आज हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। वीएसटी टिलर्स में बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, आपको पता होगा राधा किशन दमानी में एक बड़े शेयर होल्डर हैं। और ये देखिए स्टॉक ऑलरेडी 10% का ऊपर भी था, इसका एक महीने का ग्राफ दिखाई रखे साहब, सिर्फ अभी ही रही इसके अंदर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। ट्रैक्टर्स को लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी कॉमेंट्री दी है, एक महीने में करीब 13% बल्क ऑफ द मूव ये कल का है। अभी यहाँ से इसके अंदर गुंजाइश बन सकती है क्या किरण, इसका ब्रेकआउट क्या वॉल्यूम बैक था? किरण, वीएसटी टिलर्स इस भाव से बनता है? सो वीएसटी टिलर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 3400 के आसपास था, वहां से ग्रेजुअली हमने एक फॉल देखा, कहीं ना कहीं 2000 के आसपास इसने बॉटम बनाया था। एक बड़ी सी रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ऊपर में 2500 नीचे में 2000, स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे था। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 2300 के आसपास सस्टेन हुआ। कल जिस तरह से उसने एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, कंप्लीटली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक अग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे जा सकते हैं, 2600 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, ज्यादा चांसेस क्या हम ऊपर में 3200-3300 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। सो 2600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से वीएसटी टेलर डेफिनेटली हम लॉन्ग कर सकते हैं। कपिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल से बातचीत आगे बढ़ाएं, उससे पहले जान लेते हैं कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। गुड मॉर्निंग कपिल, क्या है आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज? गुड मॉर्निंग अजय जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली मार्केट का हम अभी देख रहे हैं तो मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है। 18,450 एक इमीडिएट हर्डल मार्केट है, लेकिन गुंजाइश वैसे लग रही है कि मार्केट का ब्रेकआउट हमें ऊपर की ओर देखने मिले। और मार्केट तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे में है, लेकिन जो हम फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस देखते हैं या फिर जो हम बैंक निफ्टी देखते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो मेरे जो स्टॉक्स है मेनली वो एक एनबीएफसी से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो पहला मेरा काउंटर आता है जो मैंने चुनाव किया हुआ है, वो है एलएनटी फाइनेंस का। तो एलएनटी फाइनेंस का भी काफी टाइम पहले एक काफी बैड फेज था उसका, वहां पे हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स देखने के बाद भी स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया हुआ है। अभी डेली चार्ट पे ही कल के दिन में या फिर पिछले 3-4 दिनों में हम देख रहे थे कि स्टॉक का एक ऊपर में एक ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, 3-4 दिन प्राइसेस ने ऊपर की ओर सस्टेन किया हुआ है। तो यहां पे एलएनटी फाइनेंस पे एक बाय का कॉल बनता है, सॉरी यस, एलएनटी फाइनेंस पे 98 के लेवल पे यहाँ पे बाय का कॉल बनता है, 94 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 108 का टारगेट रहेगा। और दूसरा ही कॉल एनबीएफसी स्पेस से ही है जो कि है एबी कैपिटल। रिजल्ट्स के 2-3 दिन पहले उसके रिजल्ट्स आए थे, थोड़ा सा हमें झुकाव देखने मिला था, लेकिन उस डिक्लाइनिंग के मोमेंटम की वजह से स्टॉक प्राइस ने काफी एक अच्छे लोअर लेवल को टेस्ट किया था और हमने पिछले 1-2 दिन में कुछ अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी अच्छा है, तो यहाँ पे हमें 166 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे बाय की खरीदी की राय रहती है, स्टॉप लॉस उसका 160 रहेगा और ऊपर में 175 का टारगेट हम देखने मिल सकते हैं। और आखिर का जो स्टॉक है वो मेरा शॉर्ट के साइड है, यहाँ पे जस्ट हमें मार्केट के साथ या स्टॉक के साथ कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, श्री सीमेंट, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है लेकिन सीमेंट स्टॉक में थोड़ा सा एक पॉज हमें देखने मिल रहा है, वो 3-4 दिन से उनके अपसाइड मोमेंटम काफी कैप है। और श्री सीमेंट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे, काफी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे आके कुछ एक बेरिश कैंडल्स फॉर्म की हुई है, तो वहां पे हमें एक सेलिंग की गुंजाइश लग रही है। तो 24,500 की यहाँ पे एक सेल का व्यू बनता है, 500 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 25,000 के अराउंड का हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा और नीचे में 1000 पॉइंट्स की डाउनसाइड, दैट इज 23,500 रुपीस। और साथ ही सीमेंट पैक भी, एलएनटी फाइनेंस और एबी कैपिटल हैं कपिल के रेडार पर, और साथ ही सीमेंट स्टॉक्स पर भी श्री सीमेंट पर नजर रखेगा। लेकिन इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है, 7 पैसे मजबूत आज रुपया खुला है, 82 रुपए और 30 पैसे के मुकाबले 82 रुपए और 23 पैसे पर रुपए की ओपनिंग इस वक्त होती हुई दिख रही है। प्री ओपन ट्रेड्स भी आप देख रहे हैं मार्केट के, और इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स जो है वो हटाया गया है, 4,100 रुपए प्रति टन विंडफॉल टैक्स जो था उसे हटाया गया है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी, और प्री ओपन में करीब 1.5% तक की तेजी यहां वैशाली हम देख रहे हैं। वैशाली, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी,
So I would say Oil India का trend अच्छा ही है और even ONGC also is only positive. So Oil India impact अभी तो लेने के मौके मिल रहे हैं. I would say that ये level पे खरीदा जा सकता है 250 के stop loss के साथ and I think we can see a target of around 280 levels from here on. और उसी अनुसार ONGC also going very strong. Intraday के हिसाब से अगर करना चाहेंगे, if it's a gap up opening कल के stop loss के साथ ये खरीदिए. 164 का लो है कल का, 164 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 172-175. और वो जबरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज लेके आएंगे. प्री मार्केट आपके सामने है, फ्लैट दिख रहा है बट 9-4 के प्री मार्केट को बहुत सीरियसली मत लिया करिए. 9-7 तक रेट सेटल होते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा. उससे पहले अपने ट्रेडिंग डिसीजन ना लें. लेकिन जो स्टॉक्स फोकस में हैं रिजल्ट्स की वजह से और दूसरी खबरों की वजह से, वहां नजर रखिए, वहां भाव सेटल होता हुआ नजर आ. चंदन आ चुके हैं हमारे साथ. गुड मॉर्निंग चंदन. चंदन, बाजार पे क्या ट्रेड बन रहा है आपका? निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर पोजिशन है या लेने की इच्छा है तो क्या ट्रेड करें और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएं आज सुबह के लिए. गुड मॉर्निंग जी. देखिए बाजार का ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है. वीकली सेटअप पे दोनों इंडाइसेस हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बना रहे हैं. इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अपने नए लाइफ टाइम हाई को बस छूने के लिए तैयार है. तो ओवरऑल ट्रेंड और सेटअप पॉजिटिव है और आप देख रहे हो हर छोटा सा डिक्लाइन आता है वो खरीदारी में तब्दील हो जाता है. तो पॉजिटिव बायस के साथ रहें. जिनके पास पोजिशन है वो अपनी पोजिशन को कंटिन्यू रखें. जिनको लेना है कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है तो लें. हमारे ऐसा मानना है कि 18,250 सपोर्ट का काम करेगा और ये रैली कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते हुए 18,600-18,888 जो लाइफ टाइम आई है वहां तक एक्सटेंड होनी चाहिए. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के टेरिटरी के आसपास चल रहा है. सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे लगभग 43,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं रैली 44,250 से 44,500 की तरह जाना चाहिए. अब स्टॉक्स की बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे IDFC लिमिटेड से. IDFC लिमिटेड ने डेली चार्ट में एक गोल्डन फ्लैग का ब्रेकआउट देखा है और काफी दिनों के बाद में डिसाइसिव वे से ये 1992 के ऊपर बंद हो रहा है. मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 89 के आसपास है. तो 89 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 99 से लेके 100 तक के लेवल IDFC लिमिटेड में देखने को मिलने चाहिए. उसके अलावा हमारा मानना है कि सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट की बात करें या PSU की बात करें. सिलेक्टिव पावर फाइनेंस कंपनीज है वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम है. तो मैं सेकेंड ट्रेड के तौर पर IDFC के बाद अब REC लिमिटेड पे फोकस करूंगा. REC देखें तो यहाँ पे पिछले लगभग 7-8 दिनों का हल्का सा डिप देखा. उस डिप में भी सपोर्ट है वो हायर बेस पे शिफ्ट हो रहे थे. 130 का रिसेंटली बॉटम बना है. सपोर्ट 132 की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये रैली एक्सटेंड होते हुए 145 तक जाने चाहिए. तो IDFC लिमिटेड और REC लिमिटेड दो ट्रेड रहेंगे जो यहाँ पे पॉजिटिव बायस की तरफ है. और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल लॉन्ग पोजिशन को होल्ड करने की या नई पोजिशन है तो उसको ट्रेलिंग के साथ कंटिन्यू करने की सलाह रखेंगे. ठीक है, आपने IDFC दिया, एक REC दिया, एक शेयर मेरी तरफ से भी होगा. एक बार जरा आप गेल को चेक करेंगे सर, क्या गेल भी ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया? प्लस इसको आज कर सकते हैं खुलते ही? बिल्कुल, गेल पे भी फोकस करना चाहिए. गेल पे आप देखोगे तो लगभग पिछले 38-40 दिनों का एक ब्रेकआउट हुआ. यूजली काउंटर का लोअर बीटा रहता है इसलिए मोमेंटम नहीं है, बट जिस हिसाब से इसने बेस बनाया है वीकली चार्ट का जो कैंडल बना है मल्टीपल 5 वीक के डोजेस और स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद, तो इंडिकेट कर रहा है कि हायर बेस बन रहा है. लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक परफेक्ट बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला था. तो 108-108.50 का सपोर्ट है, ऊपर में 118-119 तक के स्विंग को एक्सटेंड करने के लिए. डेट हो चुका है और दूसरा ये लंबी रेस के लिए चलने के लिए तैयार हो रहा है वर्लपूल. बिल्कुल, वर्लपूल की बात करें तो काउंटर में बॉटम प्रोसेस बना है. हालांकि इसका मेजर ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पिछले लगभग काफी महीनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बने. बट अब आप वीकली चार्ट पे देखें तो ऐसा लग रहा है काफी बिटन डाउन है और कहीं ना कहीं अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी बननी चाहिए. तो जस्ट बाउंस को प्ले करने की सलाह रखेंगे. पिछले लगभग आप देखोगे 40-50 ट्रेडिंग सेशन में तो मल्टीपल टाइम 1300-1310-15 का सपोर्ट बना रहा था. तो आई थिंक अब हायर बेस है वो 1325 का बन रहा है, एक बार के लिए 1420 के स्विंग को प्ले करने के. ये रहा एक बार मिलती हुई और प्री ओपन में इस वक्त हम देख रहे हैं निशान के साथ कामकाज. लेकिन एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में कौन से शेयर्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, पूजा से जानते हैं. पूजा बताइए जी. जुपिटर वेगन पर नजर रखिए. यहाँ पर कंपनी ने QIP के जरिए 125 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और
इसमें टाटा म्यूचुअल फंड, अनंता कैपिटल और आईटीआई म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों को शेयर्स अलॉट किए हैं। कुछ नतीजों की बात करें तो एस्ट्रल पर भी नजर रखिए, काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए यहाँ पर। आय में 8% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 45% से बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे पर भी देखेंगे तो 43% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। नतीजों के चलते आज काफी सारी स्मॉल और मिड कैप कंपनियां फोकस में है। पीसीबीएल के भी नतीजे देखे, काफी शानदार नंबर्स आए। आय में 12% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 36% बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में भी करीब 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। उग्रो कैपिटल पर के नतीजे भी अच्छे आए हैं। एनआईए में 16% की ग्रोथ, मुनाफा 133% बढ़ा कंपनी का, और इसके अलावा बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटाने की भी मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। आखिर में रेप्रो इंडिया, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कल भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा था 20% का, फंड एक्शन हुए हैं। माधुरी केला ने करीब 4.75 लाख शेयर की खरीदारी की है 425 रुपए प्रति शेयर पर, और मालाबार इंडिया फंड ने कंपनी के करीब 5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 425 रुपए प्रति शेयर पर। तो कुछ फंड एक्शन हुआ है, इसके चलते स्टॉक में नजर रखिए। बिल्कुल, ये सारे एक्शन स्टॉक्स हैं, इन पर हमने विस्तार से टेक्निकली बातचीत भी की है। लेकिन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक बार चंदन में आपकी राय चाहती थी, क्योंकि डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% to 10%। प्री ओपन में देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, और सूर्योदय SF भी अगर देखें 6% तक की तेजी इस वक्त। देखिए, इस काउंटर को हम कंपैरेटिवली कम पिक करते हैं, बट फिर भी मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूं, तो मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम्स के प्रोसेस बन रहे हैं। आप देखोगे दिसंबर 2022 में 134 के आसपास के हर्डल थे, काउंटर ने डिप दिखा और वापस उसी लेवल को अब सरपास कर रहे हैं। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे देखें तो 3-4 वीक से यहाँ पे हाई टू फायर बॉटम के सिक्वेंस बन रहे हैं। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, लगभग आप देखोगे इसमें तो 123-124 के सपोर्ट है 140 तक के स्विंग को प्ले करने के। लेवल्स को प्ले आउट किया जा सकता है, सपोर्ट पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच आइए, क्या खबर है सेगमेंट पर जुड़ते हैं। हमारे साथ सौमित है, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और उससे जुड़ी हुई खबर लेकर। सौमित, आप बताएं कौन से सेगमेंट से जुड़ी खबर है आज? गैस सेगमेंट से जुड़ी एक खबर है, और स्पॉट एलएनजी प्राइस अगर आप देखेंगे तो एशिया रीजन में करीब $10 पर MMBTU मार्क पे ये गिर चुका है। अब जब भी स्पॉट गैस प्राइसेस कम होते हैं, ये बेनिफिशियल होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और गैस ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये गुजरात गैस के लिए होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं स्पॉट गैस। अगर आप देखेंगे तो एवरी $1 से अगर स्पॉट गैस प्राइसेस कम होते हैं तो मॉर्बी रीजन में जो गैस का भाव है वो 3 से 3.5 रुपये से कम हो सकता है, और अभी करंट प्राइस अगर आप देखेंगे मॉर्बी में तो करीब 40.6 रुपीज़ है। अब मे के स्टार्ट से जो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस है वो $2 से कम हुए, इसका मतलब ये है कि मॉर्बी रीजन में गुजरात गैस जो गैस के प्राइसेस है वो 33-34 रुपीज़ पे लाके रख सकती है, जो कि काफ़ी सस्ता हो जाएगा प्रोपेन के सामने। प्रोपेन एक कंपटीशन है गैस का मॉर्बी रीजन में, तो ये गैस प्राइसेस कम होने से अब गुजरात गैस इधर ज़्यादा मार्जिन कमा सकता है या ज़्यादा वॉल्यूम ले सकता है प्राइसेस कम करके। दोनों साइड में बेनिफिट गुजरात गैस को ही होगा, या तो वॉल्यूम या तो मार्जिन दोनों कंपनीज को ज़्यादा मिल सकता है लोअर स्पॉट एलएनजी प्राइसेस सर। इसीलिए गुजरात गैस आज फोकस में रहेगा, क्योंकि स्पॉट एलएनजी प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये मंथ में स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर अब तक $2 पर MMBTU मार्क से कम हो चुका है। ठीक है सौमित, शुक्रिया। जल्दी से कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका फायदा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए सेरा, आप देखिए कजारिया, आप देखिए ओरिएंट बेल, ये जितने भी टाइल कंपनीज हैं इनमें भी इस गैस के भाव नीचे गिरने का फायदा आता है, क्योंकि सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। हमारे साथ शर्मिला है। शर्मिला, आप कोई टाइल कंपनी में आपकी रुचि बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड वापस आती दिखती है, एक बहुत बड़े बुरे पैच से लोग निकल के चुके हैं। और यस, यू नो, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये जो सभी कंपनीज जिनकी फैक्ट्रीज वहां पर है और ओवरऑल जिस तरह के सेल्स पैन आउट हो रहे हैं, तो आई थिंक कजारिया उसमें है, सेरा है, आई थिंक दोनों कंपनीज काफी अच्छी लग रही है। क्योंकि इस तरह की अगर बात होती है तो उनके लिए एक फायदे की चीज रहेगी, क्योंकि खासकर आई थिंक कजारिया में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने काफी अपना प्रोडक्शन में गैस इंट्रोड्यूस किया था, और इस तरह से अगर बात होती है तो उनके लिए एक सेविंग होगी। और जैसे हम देख ही रहे रियल एस्टेट के नंबर से, एक वो भी यू नो, देयर आर पॉजिटिव सिग्नल्स इवन फ्रॉम देयर, जिस तरह से DLF के नतीजे आए एक्सेट्रा। सो यस, आई थिंक कजारिया सिरेमिक्स काफी अच्छा लग रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में किससे बेट लेंगे आप? कल जो बड़ा ब्रेकआउट आया सेक्टर वाइड, वो आज भी जारी रह सकता है?
चंदन? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट में पॉजिटिव व्यू है, इनफेक्ट डील अप में कल अच्छा मोमेंट हुआ था, बट अभी भी हमारा मानना है कि मूव बरकरार रहना चाहिए, लोगों के बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिले थे और इनफेक्ट सारे रियल एस्टेट कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है और मैं ईयरली चार्ट पे देख रहा हूँ, आई थिंक पिछले 14 सालों का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 14 साल के इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो मेरे हिसाब से 15-20% का रैली तो बनना ही चाहिए। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग है लगभग 468, आप थोड़ा सा यहाँ पे 452-53 का डीप सपोर्ट रखिए ऊपर में इस रैली को 490-495 को एक्सटेंड करने के लिए। किरण आप बताइए, आईटीसी इस हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, नंबर से ठीक पहले इस स्टॉक में मोमेंटम है, अक्रॉस सेगमेंट्स अच्छा एक्शन दिखा भी है और तिमाही नतीजों में इस वक्त भी ऐसे ही सेंटिमेंट्स ऐसे ही अनुमान है, आईटीसी पर अपनी राय दीजिए। आईटीसी में हमने देखा था कि एक बेरिश एंगल पिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, 420 उसका एक कंफर्मेशन लेवल था, वहां से स्टॉक नीचे गया लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट उसको 416 के आसपास मिला, वहां से स्टॉक कल हमने देखा एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला, 427 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इंटरडे बेसिस के हिसाब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो आज मार्केट फिर से ओपनिंग की तैयारी कर रहा है, आज ओपनिंग बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि 33 पॉइंट तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स भी हम आपको दिखाएंगे तो वो आज रिकॉर्ड हाई पर भी खुल सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा आज फिर से एक्शन भरे दिन के लिए। और पहल बेल बजी है और अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक 44,144 पे खुला है, थोड़ा बच गया ओपनिंग टिक दिखाने से, नहीं तो खुल जाता जो, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आज इसने थोड़ा मिस किया है ओपनिंग गैप के साथ से, 7.8 पॉइंट का ऊपर नीचे भी निफ्टी कर रहा है शुरुआत में, एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशियो देख रहे हैं तो वो काफी अच्छी है, 1200 के मुकाबले सिर्फ 200-250 शेयर हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट ब्रेड डाउन टू द बॉटम काफी ठीक देखने को मिल रही है। इसे शुरुआती वाले शेयर्स देखते हैं कौन कौन से बाजार में इस समय शेयर्स हेल्प कर रहे हैं, अगर आप देखें ONGC जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे ये शेयर ऊपर है, SBI लाइफ, हिंडालको, एस्ट्रल पॉली, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो शुरुआत में पकड़ बना रहे हैं। कल भी इसी चीज को लेकर चर्चा हो रही थी कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा पीछे हटते हैं तो क्या IT सामने आएगा, आज देख के अच्छा लग रहा है कि इंफोसिस आपको हरे निशान में खुलता दिख रहा है, अगर IT की वेटेज आ जाती है तो निफ्टी के पास जो थोड़ा गैप था कि वो ऑल टाइम हाई से 300-350 पॉइंट दूर था वो थोड़ा कवर करने की कोशिश करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी काम कर दिया, बहुत हद तक आप बैंक निफ्टी से आप रस नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा उससे पावर नहीं ले सकते। खैर इस बीच हीरो मोटोकॉर्प आज भी ऑटोस का लीडरशिप दिखा रहा है और यहाँ पे अच्छी मजबूती है, टाटा स्टील भी स्टील कंपनी से सामने निकल के, ये मेटल्स में थोड़ा ध्यान रखेगा, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इस पूरी रैली के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, चर्निंग होगी तो मेटल्स भी नोटिस किए जाएंगे, हिंडालको टाटा स्टील उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज शुरुआत में जो पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आज इंफोसिस के अलावा जो शेयर और आईटी का चल रहा है विप्रो, इस पे भी आप पर ध्यान रखिएगा, विप्रो के अंदर भी आज शुरुआती स्ट्रेंथ हमको ठीक देखने को मिल रही है, HDFC पे ध्यान रखिए, अब जो बैंकिंग काउंटर जिन्होंने यहां तक बैंक काउंटर्स को चलाया निफ्टी बैंक को चलाया उनमें HDFC आज लाल निशान में है, L&T एक बड़ा शेयर है वो भी आज आधे % के आसपास की आज शुरुआती कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो शेयर्स और मजबूत हुए हैं उसमें BPCL है, नेस्ले है, सिप्ला है, ये शेयर आज शुरुआती तौर पर तेजी दिखा रहे हैं, HDFC बैंक दोनों ट्विंस ने आज बाजार को थोड़ा कमजोर किया है, ब्रिटानिया UPL L&T के साथ इंडसइंड बैंक एक्सिस बैंक ये भी आज थोड़ा नीचे आ रहे हैं, इसलिए बार बार बैंक निफ्टी को आप देखिएगा। इस बीच डिलीवरी पे भी एक खबर आ रही कि 10 लाख शेयरों के सौदे लगे हैं, डिलीवरी एक मिड कैप काउंटर है अभी तो फ्लैट है लेकिन इस सौदे का असर आएगा जरूर, और अभी आप अगर मिड कैप कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो मानसी आपको और कुछ मिड कैप शेयर्स बता देगी, लेकिन इस समय की सिचुएशन ये है कि मार्केट थोड़ा जद्दोजहद कर रहा है, 18,400 इसका रेंज का ब्रेकआउट है, फॉलो अप बाइंग आना जरूरी है। दूसरा, बैंकिंग के अलावा अगर आईटी आज शिफ्ट करता है मूव करता है तो आप फिर निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी पे कम, मिड कैप शेयर्स के बारे में आपको मानसी बता रही है। बिल्कुल डिम्पी, निफ्टी बैंक निफ्टी संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी है, मिड कैप रियल एस्टेट, मिड कैप बैंक्स फाइनेंशियल्स और मिड कैप आईटी है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, रियल एस्टेट ऑन दी टॉप, प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2% तक की तेजी के साथ शुरुआत करता हुआ, ऑयल इंडिया जिसका अभी जिक्र भी हमने किया विंडफॉल टैक्स को लेकर जो खबर आई उसका एक इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ देखने को मिला है, बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज देखें करीब 2% की तेजी यहां पर, एस्ट्रल पाइप अच्छे नतीजों का एक इंपैक्ट, हमने बाजार खुलने से पहले स्टॉक को टच बेस किया था और पाइप सेगमेंट पर ही बात की थी और एस्ट्रल पाइप के स्टॉक में देखिए अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त बाजार खुलता हुआ, श्रीराम फाइनेंस सीवी साइकिल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहां पर साबित हो सकता है और मिड कैप में श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में भी अच्छी मजबूती
मारुति और साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट स्पेस में लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीर स्मॉल कैप में भी, तो क्लियरली ब्रॉडर इंडेक्सेस आज भी बाजार को संभाल रहे हैं। देखिए बाजार बढ़ा हुआ है नो डाउट, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऐसे में ट्रेड कहां बनते हैं? ओपनिंग ट्रेड्स अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं। चंदन आप बताइए, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी डेज लो पे आ गया, थोड़ा पुल बैक दे रहा है, और क्यों ना, बढ़ा हुआ बाजार है, आपको चेज करना उचित भी नहीं, यही तो पुल बैक का फायदा उठाना है आपको। क्या ओपनिंग ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे निकल के आ रहे हैं चंदन? देखिए एक तो मैं HAL पे फोकस करूंगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। HAL पॉजिटिव सेटअप है, ओवरऑल इस स्टॉक पे हमारा बुलिश व्यू है, और डेली चार्ट पे यहां पे ब्रेकआउट है तो इमीडिएट मोमेंटम भी यहां पे बनेगा। लगभग 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 3150 से लेके 3200 तक का टारगेट, तो ये काउंटर जो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2-3% की रैली बननी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो आई थिंक सिलेक्टिव काउंटर पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि रियल एस्टेट वाले काउंटर है, या फिर जैसे हमने फाइनेंशियल में IDFC लिमिटेड IDFC बैंक की बात की, तो HAL एक नया ट्रेड रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ रहना चाहिए। किरण आपके आपको आपके स्क्रीन पे क्या निकल के आया? IT में बेट करेंगे कहीं? यस डेफिनेटली। सो दो सेक्टर्स है जो हमें अच्छा लग रहा है, भले ही हम देख रहे हैं कि बैंकिंग या तो बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं NBFC स्टॉक्स आप देख सकते हो। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी हमने स्टॉक पिक दिया था खुलने के साथ ही, वो अभी अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि लास्ट दो दिन से 6740 का एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही लेवल क्रॉस होगा हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। IT के अंदर अगर हम बात करें तो इंफोसिस एंड TCS दोनों काउंटर हमें अच्छा लग रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं TCS की बात करूं तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, दो दिन से स्टॉक पुल बैक दे रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन है। तो TCS पे आप ध्यान रखें 30-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप लॉकिंग कर सकते हो, एक कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन 30-40 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। पर जिस तरह से चार्ट पैटर्न है 3300 तक ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर आएगा ऐसा हमें लग रहा है। सो TCS बजाज फाइनेंस इंफोसिस इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। SSA बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ये दोनों लेके आई है, फ्रेश हाई पे थे, रिकॉर्ड मार रहे हैं और बहुत मजबूत मोमेंटम है इसमें। इन दोनों में से आप किससे बेट करेंगे शर्मिला इस वैल्यूएशन से? ऑलमोस्ट 67 पे IDFC भी आ गया है। प्राइस पर्सपेक्टिव पूछेंगे तो शायद IDFC फर्स्ट बैंक, अगर आप लंबे समय में इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे तो मेरे हिसाब से यहाँ से काफी अपसाइड हो सकती है इफ थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू प्लान। तो अभी तक जिस तरह के नतीजे आए हैं एंड द वे दे हैव वर्कड ऑन, यानी जो दिक्कतें थी बैंक में, जो उनके लेगेसी इशू थे वगैरह, तो वो सब जानते ही है कि किस तरह से वो धीरे धीरे उसमें से निकल रहे और जिस तरह से उनके रेशियोज इम्प्रूव हो रहे। सो आई थिंक दिस स्टॉक शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। फर्स्ट बैंक पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त डिफेंसिव्स पर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ तमाम पॉकेट्स जैसे रियल्टी और मेटल में अच्छा एक्शन है, लेकिन फार्मा इंडेक्स भी परफॉर्म कर रहा है। सिप्ला, फाइजर, औरबिंदु फार्मा, डिविज लैब, चंदन फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में फाइजर पर तो न्यूज फ्लो, अच्छे नतीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है, लेकिन कैसे देख रहे हैं स्पेस को डिफेंसिव, क्योंकि बाजार इस वक्त संभालने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त परफॉर्मिंग बेस पर है? बिल्कुल, देखिए फार्मा पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, और आप यदि इन तीनों चारों नामों की बात करें तो मेरा फोकस कंपैरेटिवली डिविज लैब पे रहेगा क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और मेजर पॉजिटिव ट्रेंड में दो दिन डिप देखा और वापस डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है, तो डिविज लैब पे खरीदारी की सलाह बन सकती है। यहाँ पे 3250 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में एक बार 3420 तक के स्विंग के लिए। इनफैक्ट सिप्ला लेके आइए डॉक्टर साहब, सिप्ला के रिजल्ट्स के अगर आप डीप पे देखें, फ्राइडे को आए थे रिजल्ट आफ्टर मार्केट आवर्स, US बिजनेस बहुत अच्छा है और मार्जिन पे कंपनी ने मार्जिन बढ़ने की कमेंट्री दी है। ये देखिए उस समय स्टॉक नीचे बंद हुआ था, 3-4% नीचे घटा था, उसके बाद से आप देखिए स्टॉक में आज ही करीब 1.5% का अप हुआ। ये क्या, ये डिप रुकना चाहिए इसके अंदर जिसने बाई किया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिखता है क्या? किरण आपके लिए ये सिप्ला, सिप्ला की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं लास्ट दो दिन से जिस तरह से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, कल कहीं ना कहीं 900 का लेवल जो था उसने होल्ड किया, स्टॉक अपने 50 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना रहेगा कि कल का जो हाई था 940 वो अगर क्रॉस होता है तो फिर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, सो कंडीशनल बाय रहेगा। 940 के ऊपर हम बाय करेंगे, जो स्टॉप लॉस हमें रखना है 940 के बाद वो 920 का रहेगा। जैसे ही 940 क्रॉस करेगा स्टॉक, देयर आर चांसेस कि एक से दो दिन में हम 980 990 तक की रैली सिप्ला के अंदर देख सकते हैं। सो डेफिनेटली 940 के ऊपर हम सिप्ला के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं।
लिए सिप्ला पर एक पॉजिटिव आउटफ्लो और इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज, लेकिन इंडियन होटल्स, शर्मिला इंडियन होटल्स पर एक बार अपनी राय दीजिए। इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस तरह से इस वक्त हॉस्पिटैलिटी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शार्प स्पाइक इस वक्त इंडियन होटल्स के काउंटर पर दिख रहा है। और इनफैक्ट ताज़ा रिपोर्ट्स अगर देखें, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जब आई उनका ये कहना था कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज है और होटल्स के अलावा हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम पर भी ये फोकस कर रहे हैं, जो कि कंपनी के कामकाज के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव नजर आएगा। यस, तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जिस तरह के नतीजे आए वो तो एक थोड़े एक्सपेक्टेड ही थे कि अच्छे नतीजे आएंगे, जिस तरह से बातें चल रही थी कि क्या रूम प्राइसेस है, कितनी ऑक्यूपेंसी है एक्सेट्रा। बट आई थिंक ओवर एंड अबव दैट अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये जो पूरा कोविड का जो समय गया उसमें बहुत ज्यादा जो रूम्स है वो एड नहीं हुए है इस स्पेस में, और जिस तरह से अब चीजें बैक ऑन ट्रैक जा रही है और जिस तरह से अभी भी स्कोप है प्राइस इंक्रीजेस का, और जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडियन होटल्स ने अपना काम इस दौरान नहीं रुकाया इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू होटल्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्शन, तो मेरे हिसाब से उसका फायदा अब उनको होगा आगे चलकर, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स शायद उन्होंने इतनी अग्रेसिवली रूम्स वगैरह एड नहीं किए जितने इंडियन होटल्स ने किए, तो मेरे हिसाब से ये लेवल पर भी अभी भी काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। ESE लिमिटेड लगातार हम देख रहे हैं ट्रेड्स पॉजिटिव, इनफैक्ट पिछले एक महीने में स्टॉक में काफ़ी मजबूती, 450 के लेवल से 560 तक का सफर स्टॉक ने तय किया है, उस वक्त भी हम देख रहे हैं तेजी के साथ एक शार्प अप मूव BSE लिमिटेड। कपिल, ये सवाल आपके लिए। ओके, तो BSE लिमिटेड हम देख रहे हैं कि वीकली चार्ट पे काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने मिला हुआ है, 1000 से लेके ऑलमोस्ट अभी का जो बॉटम बनाया था तो इन 4400 के लेवल के यहाँ पे देखते हुए मिला हुआ है, लेकिन ये जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हुई है उसकी वजह से जो इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे वो एक टेस्ट हुई, तो 416 का काफी अच्छा मूविंग एवरेज से भी लेवल था और उसकी प्रीवियसली कुछ हिस्ट्री भी थी और वहां से ही स्टॉक ने कुछ बेस बना के अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, तो इसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और वहां से ही हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। हालांकि 400 के लेवल से भी स्टॉक काफी अच्छा मूव कर लिया हुआ है, उसने जो लॉन्ग टर्म की डेली चार्ट की मूविंग एवरेज है उसको भी ऊपर थोड़ा 3 दिन से सस्टेन कर रहा है, तो स्टॉक का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और उसमें हमें बाउंस देखने मिल सकता है, अभी 547 पे चल रहा है लेकिन उसके ऊपर में 580 की अपसाइड मोमेंटम आते हुए हमें देखने मिल सकती है, तो BSE का ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा ऊपर में 580 तक। थोड़ी देर पहले जहां रियल एस्टेट और साथ ही डिफेंस पर आप बात कर रहे थे, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में वरुण बेवरेजेस के स्टॉक पर देखें, इनफैक्ट दो हफ्तों से लगातार वन साइड अप मूव वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स दिखा रहे हैं, अच्छी तेजी के बीच कामकाज 1588 के लेवल्स। चंदन, वरुण बेवरेजेस बिल्कुल, देखिये VBL की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, आप देखोगे इस साल में लगभग ऑलरेडी 20% की रैली दी है, लास्ट ईयर में भी काफी बचा मोमेंट है, आई थिंक ये कंपनी 1,00,000 करोड़ के मार्केट के वाली कंपनी बन चुकी है वापस, तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू है, मोमेंटम इंटेक्ट है और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर यहाँ पे हो रहे इंडिकेट कर रहा है कि नए अपमो यहाँ पे बनने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको 1520 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे स्टॉक में, रिसेंट स्विंग आई है 1654 वापस रीटेस्ट करने की काफी क्षमता बन रही। ओके, ठीक है, ये लाल पैथ लैब के अंदर बैक टू बैक पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आज भी शुरुआती बढ़त है इसमें है, एक बार शर्मिला आपका व्यू पॉइंट क्या है इस शेयर पे, इसके नंबर्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं था, नंबर्स में तो प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन आगे चल के जो ये कमेंट्री दे रहे हैं ना कि हम सदर्न इंडिया में जाएंगे, अब हम सिर्फ नॉर्थ की कंपनी नहीं रहना चाहते, अब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे मार्जिन ठीक होंगे, अब हम कोविड के बाद हम एक्चुअली अपनी बैलेंस शीट्स को देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है हमको, उसके बाद से शेयर अच्छा चला, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। But not specifically Dr. Lal Path Lab, but अगर आप वो पूरा सेक्टर देखें तो जैसे ही कोविड का हेडविंड उसमें से चला गया और दो चीजें हुई एक्चुअली साइमल्टेनियसली बैड न्यूज एज अ सेक्टर उनके लिए, कि एक तो कोविड का जो टेलविंड था वो निकल गया और उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन भी बड़ी आई विच वॉज रियली कटिंग कॉस्ट इन अ बिग वे, तो उस वजह से हमने देखा कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये स्टॉक्स एक ऐसे फेज में गए जिसमें से एक सेल ऑफ भी हुआ फिर कंसोलिडेशन भी हुआ,
और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे ना कि थोड़ा समय लगा टू सॉर्ट ऑफ रीअलाइन देयर थिंकिंग और कि यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ना है, तो आई थिंक अब धीरे धीरे चीजें इनके लिए बैक ऑन ट्रैक लग रही है. सो आई डोंट हैव अ बाय, लेकिन वैसे तो मेरा न्यूट्रल स्टांस है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं इस सेक्टर को. आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन अब यहाँ से यू नो केस ऑन लाइक यू नो कंपनी वाइज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके लिए आगे चीजें पैन आउट होती है, whether it's a Metropolis, whether it's a Thyroke, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस इनमें आएंगे, you know, they will have to either change their game plan in some way. तो वो किस तरह से होता है और कहाँ वो इस स्टोरी को यहाँ से आगे लेके जाते हैं वो देखना पड़ेगा. बट यस, आई थिंक अब वो समय आ गया है. कपिल, मेरे पास ना दो शेयर हैं. एक तो टाटा केमिकल्स का शेयर है जहाँ मेरे को लग रहा है कि एक बेस बन चुका है, अभी शेयर कभी भी चल सकता है, 992 के आसपास है ये. दूसरा मेरे पास ना बिल्कुल इससे उलट बहुत ही छोटा शेयर है, उज्जीवन फाइनेंशियल्स. आप इन दोनों शेयर्स को चेक करके ये बता सकते हैं इन दोनों में से क्या लें, जल्दी पैसा कौन बना के देगा, टाटा केमिकल की उज्जीवन फाइनेंस. तो शुरुआत करते हैं टाटा केमिकल से. टाटा केमिकल्स के बेसिकली केमिकल स्टॉक्स में फिलहाल हमें कुछ एक मोमेंटम पहले की और देखने मिली थी, लेकिन टाटा केमिकल्स का इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा हुआ था. जो भी कुछ अपसाइड मोमेंटम आ रही थी तो वो बाद में रिट्रेस होते हुए देखने मिल रही थी. स्टॉक के जो मूविंग एवरेज हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, सारी की सारी मूविंग एवरेज फ्लैट है, जो एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक का एक रेंज बाउंड मोमेंटम अभी चल रहा है. तो टाटा केमिकल्स में मुझे इतना तो नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कुछ हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी साइडवेज में ही चल रहा है, कोई डायरेक्शनल व्यू यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है. और दूसरा जो जो स्टॉक है, जो उज्जीवन फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो उज्जीवन स्टॉक का हम देखते हैं तो स्टॉक का काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला हुआ है और काफी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली हुई है. तो उज्जीवन फाइनेंस का पिछले के टाइम से हम देखते हैं तो काफी महीनों का उसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. ऑन द मंथली चार्ट जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली चार्ट में भी काफी टाइम का एक रेंज बना हुआ था उस स्टॉक का. लेट्स से कि ऊपर में कुछ 310 का लेवल था और नीचे में कुछ इसका 230 का लेवल था, वहां पे ऑलमोस्ट उसने कुछ 6 महीना टाइम स्पेंड किया हुआ है और कल के दिन में हमें उसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. तो कंपेरेटिवली मुझे उज्जीवन फाइनेंस में ज्यादा ट्रैक्शन देखने मिला है एज कम्पेयर टू द टाटा केमिकल्स. किरण, जेएसपीएल 5 दिन में करीब 15 रुपए घटा है, इस भाव पे क्या आपको लगता है जेएसपीएल में एक ट्रेड है या शॉर्ट या लॉन्ग साइड? इंडस्ट्रियल पावर की अगर हम बात करें, सो ओवरऑल जिस तरह से मेटल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और जिस तरह से ग्लोबली हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी जो मूवमेंट हो रही है, बॉन्ड इंडेक्स में भी जो मूवमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेटल इंडेक्स में थोड़ा हमें रुकना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए. रीजन बीइंग, ओवरऑल अगर हम इंडियन मेटल्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं अपने जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 100, 50 एंड 20 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और 560 का प्रीवियस सपोर्ट भी है. अगर 560 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि हम 530 तक आएंगे. तो अगर किसी को शॉर्ट सेल करके जाना है, क्योंकि राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बना हुआ है, सो कहीं ना कहीं 560 का एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर चांसेस है कि हम 530 तक के लेवल देखेंगे. तो शॉर्ट के लिए 560 तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट जा सकते हैं. तो चलिए, ये मेटल पैक पर एक राय, लेकिन फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक स्मॉल कैप काउंटर कपिल, सीक्वेंट साइंटिफिक, करीब 7% की तेजी स्टॉक में इस वक्त नजर आ रही है और इस स्टॉक में मूवमेंट पिछले 6 महीनों में नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से स्टॉक जो है पॉजिटिवली मूव करता हुआ और ये 7% की तेजी इनफैक्ट 9% में बदल चुकी है. 81 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, 52-week हाई इसके 135 के हैं. क्या लगता है स्टॉक में यहाँ से और अपमूव या फिर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो एक बार निकल जाने की राय? ओके, तो बेसिकली जब भी हम देखते हैं कि मार्केट एक इंडिसिव लेवल पे आता है, लेट्स से कि निफ्टी का लेवल 18,400 रेजिस्टेंस लेवल है और वहां पे हमें काफी सारे लीडिंग काउंटर्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, लेकिन इस टाइम पे जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, लेट्स से कि एफएमसीजी स्टॉक्स हैं या फिर फार्मा स्टॉक्स हैं, वो कुछ निखर के बाहर आते हैं. तो यहाँ पे अभी भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छा खासा अपमूव अभी भी हमें देखने मिल रहा है, तो अपना एक ट्रू डिफेंसिव नेचर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. और सिक्वेंट के बारे में बात करें तो आपने सही बताया कि स्टॉक का काफी टाइम से एक नेगेटिव मोमेंटम था, 320 से लेके ऑलमोस्ट स्टॉक सिंगल डिजिट मींस टू डिजिट में आ गया था 60 लेवल के अराउंड, लेकिन पिछले 3 महीने से स्टॉक में काफी अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम भी
रहा है और स्टॉक में मैं मानता हूँ कि 81.35 अभी जो लेवल चल रहा है और उसके ऊपर में एक हर्डल लेवल है उसका 83 के लेवल का, तो और डेली चार्ट में भी पिछले 2 से 3 बार 83 के लेवल से वो हिट करके नीचे आया हुआ है, तो इस स्टॉक में जरूर से हम फ्रेश ब्रेकआउट के लिए देख सकते हैं, ऊपर में ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन बाय का व्यू इसमें 83 का लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद में ही बनेगा। फाइनेंस पर चंदन आपसे राय जानना चाहेंगे, रोबस्ट Q4 नंबर्स के बाद रैली स्टॉक में देखने को मिली है और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे करीब 4% की तेजी, 4.5% से 5% की मजबूती। मनप्पुरम फाइनेंस की हम बात करें तो स्टॉक का एक रेंज में काम कर रहा है, लगभग 7-8 दिन पहले इसने 100-102 के आसपास के बॉटम बनाए, वापस बाउंस हुआ और हायर बेस 108 बने, तो इतना पॉजिटिव नहीं है बट पॉजिटिव रेंज बाउंड बायस है, एक बार के लिए आप स्विंग बनने चाहिए, 112 का सपोर्ट से आप प्ले कर सकते हो एक बार 120-121 के स्विंग के लिए। बजर पेंट देखिए गैप डाउन खुला था, हमने आपको सुबह बताया था अगर ये गैप डाउन मिले तो आपको एक बार रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए, मतलब इसका बजर पेंट्स का आप इंट्राडे लेके आइए, देखिए गैप डाउन के बाद इस समय डेज हाई की तरफ जाता हुआ 630 पे। किरण ये आपको क्या टारगेट दिखा सकता है बजर पेंट शॉर्ट टर्म में? बजर पेंट की अगर हम बात करें, जैसे मॉर्निंग में भी हमने बात की थी कि कोई भी डिप आता है 620-610 तक का तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए, 600 के नीचे का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल अगर जिस तरह से लास्ट 2-3 दिन के हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, 640-645 एक पिवट रेजिस्टेंस है, जैसे 645 का लेवल क्रॉस होगा शॉर्ट टर्म में हम डेफिनेटली 680 तक के टारगेट देख सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ 645 पहला टारगेट, जैसे 645 क्रॉस होगा 680 तक डेफिनेटली हम बजर पेंट में टारगेट देख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में वापस से काम शुरू हो गया है, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, टीडी पावर, शर्मिला मिड टू स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनीज में कोई स्टॉक आपको पसंद आता है या कोई राय किर्लोस्कर और टीडी पावर पे? मुझे लगता है कि सेक्टर ऐसा चर्चा कर रहे हैं लेकिन आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक व्यू ऑन एनी स्टॉक। ठीक है, चंदन आपने चार्ट्स चेक किए क्या मिड कैप इंजीनियरिंग कंपनीज के, किर्लोस्कर ऑयल इंजन या टीडी पावर दोनों डेज हाई की तरफ आ गए? देखिए किर्लोस्कर इंजीनियर्स की मैं बात करूं तो पॉजिटिव सेटअप है यहां पे और इनफैक्ट ये स्टॉक कहने की हम ऐसा लग रहा है कि न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा, इसका जो 2017 का हाई था वो 454 है और इस साल भी आप देखोगे अभी पिछले 5 महीने में 34-35% का अपटिक बना है, तो जो रियल टारगेट बन रहा है टेक्निकली वो 454 के आसपास बन रहा है, इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हायर बॉटम हायर हाई हायर लॉस का सीक्वेंस बन रहा है, वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव है, डिलीवरी वॉल्यूम भी होल्ड हो रहा है, तो आई थिंक 420 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, 418-420 के आसपास, ऊपर में 454 तक की अपसाइड बनने चाहिए। 44,151 के आसपास के हाईस जो थे, अभी बैंक निफ्टी आ गया 43,867, बैंक निफ्टी लाइट है इसलिए ये आपको ना बहुत जल्दी से नीचे ऊपर आपको करता है, 200 पॉइंट दे चुका है बैंक निफ्टी और अगर आप दिन का अभी तक का जितना भी स्ट्रक्चर बना वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुलबैक आ नहीं सकता, पुलबैक आ सकता है बट फॉल भी थोड़ा सीवियर हो सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि दिन भर में चर्चा हुई है और सभी एक्सपर्ट्स का यही राय है कि बाइंग ऑन डिप्स करें, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, इस जगह पर आकर छोटा सा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। खैर एनी हाउ आगे आते हैं स्टॉक्स पे, एक शेयर मैंने अभी निकाल के रखा है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एक बार शर्मिला आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं क्या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को? अगर आप ट्रैक करते हैं तो फिर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं टेक्निकल वालों से पता करूं। ठीक है तो एक बार आप चेक कीजिए इस पे किरण, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपको लग रहा है कि ये शेयर चल सकता है? अच्छा काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, थोड़ा साइडवेज हुआ, अभी और चलेगा क्या? ट्यूब इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जुलाई 2022 से जो एक अपसाइड चालू हुई थी, ऑलमोस्ट 100% गेन हमने देखा, 3000 के आसपास के टॉप बने, वहां से स्टॉक प्राइस एक टाइम करेक्शन जोन और प्राइस करेक्शन जोन के अंदर था, 3000 से हमने देखा कि कहीं ना कहीं 20% काइंड ऑफ करेक्शन आया और नीचे में 2500-2400 तक गया जहां 200 डेज मूविंग एवरेज थी, स्टॉक धीरे धीरे हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता गया और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाई है, उसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जा सकते हैं, 2750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, 2650 के नीचे का स्टॉप लॉस यानी कि यहाँ से 100 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन जिस तरह के चार्ट पैटर्न है जो साइज है इस असेंडिंग ट्रायंगल की वो कहीं ना कहीं 200 रुपीज की है, तो 2650 के ऊपर हम डेफिनेटली यहाँ से 200 रुपए तक की एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 2950-3000 तक के हमारे टारगेट आने वाले 2-3 महीने में,
तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस ट्यूब इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हम लॉन्ग कर सकते हैं 2650 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर ये टेक्निकल नजरिया, लेकिन इस बीच अगर बाजार में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एशियन पेंट्स और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं एचडीएफसी ट्विन्स जो हैं आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसी हफ्ते आईटीसी के नंबर्स से ठीक पहले कॉशियस यहाँ पर स्टांस, लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर चंदन एक बार जुबिलेंट फूड वर्क्स को देखें, अच्छी मजबूती और तेज़ी के साथ स्टॉक में ट्रेड नज़र आ रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, दिव्यानी इंटरनेशनल, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जैसे सारे स्टॉक्स इसी थीम के कैंडिडेट्स हैं। जुबिलेंट फूड में आज हम देख रहे हैं मजबूती। देखिए दिव्यानी और जुबिलेंट फूड दोनों की बात करें तो मोमेंटम है यहाँ पे और सेटअप पॉजिटिव है कंपैरेटिवली। जुबिलेंट फूड की बात करें तो यहाँ पे एक मल्टीपल हर्डल लगभग 475 480 के आसपास, तो आई थिंक वो लेवल निकलेगा तो नया मूव स्टार्ट होगा। बट यस, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इमीडिएट बेसिस पे 460 का सपोर्ट है और 475 ये कहीं ना कहीं 495 तक का लेवल दिखा रहा है। दिव्यानी की बात करें तो यहाँ पे सेटअप कंपैरेटिवली और अच्छा लग रहा है, 180 का जो हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हुआ है। कोई भी डिप आता है 180 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में एक बार 200 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बजाज फाइनेंस इंडेक्स का टॉप गेनर बन गया है, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस तो खैर वापस आ ही गया है, लेकिन मैं आपको मिड कैप इंडेक्स बताना चाहूंगा एक बार। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो पहले 15-20 मिनट सड़क के नीचे आई है, लेकिन मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लिखे डॉक्टर साहब, दोनों मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे, स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे की अभी की बात हो रही है, इंडेक्स में आज की बात, आज की ट्रेडिंग एक्शन में फोकस है, दोनों मजबूती की तरफ बने हुए हैं, यानी ब्रॉडर मार्केट्स बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं हुए हैं। इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विन्स ओवरऑल जो नेगेटिव हुए हैं एक्स डिविडेंड की वजह से, उसका भी प्रेशर है पुल बैक में। तो बाजार पूरा भयंकर तरीके से कमजोर नहीं हुआ है, सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सरकते हुए नजर आ रहे हैं। अब वापस बात करते हैं इंडेक्स स्टॉक्स की। बजाज फाइनेंस 7000 के आसपास आ गया, 6800 का भाव ऑलरेडी बजाज फाइनेंस का हो गया है। चंदन, बजाज फाइनेंस लॉन्ग राइड करना चाहिए कि अभी भी? बजाज फाइनेंस है वो अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है और मेरे हिसाब से अब ट्रेलिंग सपोर्ट के साथ पोजीशन रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी रिकवरी हो चुकी है और जब तक आप ये 6450 का लेवल नहीं तोड़ते ओवरऑल पोजीशन इंटेक्ट रहेगी। स्लो एंड स्टडी जो ऊपर में टारगेट आ रहे हैं वो 7000 के आसपास आ रहे हैं, तो आई थिंक आप 6450-6500 के ट्रेलिंग से पोजीशन को रखें, धीरे धीरे से या तो 7000 आए या फिर आपका ट्रेलिंग सपोर्ट हिट है। 10 आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही शानदार कंपनी से हम बातचीत आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट तो अच्छे आए ही लेकिन उन्होंने जो कॉमेंट्री शेयर की है वो बहुत अच्छी थी। वो हम बात कर रहे हैं वीएसटी टिलर्स, एग्री इक्विपमेंट ट्रैक्टर सेगमेंट पे फोकस। वीएसटी टेलर्स ने जो कमेंट्री दी है उससे पूरे बाजार एक बार देख रहा है कि ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, उनको विजिबिलिटी क्या दिख रही है स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, रूरल साइड पे, कि इतनी अच्छी कमेंट्री आती हुई नजर आ रही है। एंथनी चेरुकारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ बातचीत करने के लिए। एंथनी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे, हमारी कई बार बात हुई है यहाँ चैनल पे, इस बार के रिजल्ट्स के बाद आपकी कमेंट्री ने हैरान कर दिया, ऐसी क्या विजिबिलिटी आपको दिख रही है, कौन से ऐसे साइंस हैं जो आपने पॉजिटिव कमेंट्री दी और आपको ये सस्टेनेबल नजर आती है? जी गुड मॉर्निंग, पहले तो लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जारी रहना बहुत जरूरी है एंड उसके लिए जो गवर्नमेंट कदम उठा रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर को ग्रोथ को बढ़ावा देने में हेल्प करेंगे, दैट इज वन फैक्टर। दूसरा ये है कि अभी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में रिजर्वोयर सारे फुल है और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो ये चलते हुए थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव फर्स्ट हाफ में, लेकिन जो मानसून का इफेक्ट जो आएगा वो सेकंड हाफ में आएगा और उसमें भी नियर टू नॉर्मल और अगर टाइमली रेनफॉल आए उसमें भी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हैं हम सेकेंड हाफ के लिए भी। जहां तक हमारा बिजनेस है, हम लोग ट्रैक्टर्स की लॉन्चेस किए हैं Q4 में, उसका ग्रोथ जो है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में नजर आएंगे। उसके अलावा हमारा जो VST जिटोर ट्रैक्टर्स है जो हमने जिटोर के साथ JV लॉन्च किया है, उसका भी लॉन्चेस फर्स्ट हाफ में होने वाला है, उसके वजह से भी ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ आएगा। और हमारा स्मॉल फार्म इक्विपमेंट मशीनरी जो पावर टिलर और पावर वीडर सेगमेंट है
उसमें पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस 20% प्लस ग्रोथ आ रहा है और वो जारी रहेगा। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमारे देश में छोटा किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल किसान, 70-80% किसान उस सेगमेंट में है, और जैसे हम कवरेज और रीच बढ़ा रहे हैं पिछले 3 साल से, उसका रिजल्ट हमको कंटिन्यूसली मिल रहा है। ये जो मार्जिन एक्सपेंशन दिखाई दिया है आपके क्वार्टर में, इस बार रिजल्ट में करीब 400 बेसिस पॉइंट का, ये कहां जाके सेटल होगा आपके हिसाब से? जो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैंने बताया क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशंस हो सकता है। उसका लास्ट ईयर का अगर क्वार्टर फोर की जो ग्रोथ देखें, एक बात उसमें ये है कि जो नॉर्मली जो सब्सिडीज रिलीज होता है Q3 Q4 में होता है, लेकिन लास्ट ईयर जो ज्यादातर क्वांटम जो रिलीज हुआ है, जो लास्ट टाइम आपसे भी बात किए तो हमने बोला था आपको कि Q4 अच्छा रहेंगे क्योंकि जो सब्सिडीज रिलीज नहीं हुआ है वो Q4 में रिलीज होने वाला है, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड एंड वी वर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। क्वांटम ऑफ सब्सिडीज हैव नॉट गॉन अप, इट इज ओनली दैट इट इज कम इन Q4, बट अगर हमारा ग्रोथ देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ भी हुआ है। सो As I said before, chota segment is continuing to grow in this country, purely driven by jo small and marginal farmers ka jo population hai, 70-80% hai, and they can afford small farm machinery. Mr. Antony, ek cheez bataiye, aapke total balance sheets mein se exports ka part kitna hai? Agar hai to kya wahan pe growth kitni hai aur kitni ho sakti hai? एक्सपोर्ट्स अभी फिलहाल 5-7% के रेंज में है, लेकिन वो उसको पिछले 3 साल से हम ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली हमने यूरोप में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स का अच्छा एस्टेब्लिश किया है, आगे भी इस साल भी हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। लास्ट ईयर वी एंटर्ड इटली और इस साल हम यूके मेक्सिको वगैरह में एंटर करने का प्लान रखा है और इस साल उसमें एंटर करेंगे। आवर एम इज in the long term or in the medium term we want to achieve at least 10% and then move to 15-20% exports. The EV is the talk of the town aur aapke bhi technological tie ups aur investments EV space mein hain. Aapke traditional business se EV mein utarne ki strategy aapne kyu banayi? Kya bade plans hain EV space mein in terms of launches and investment? Ji, technology transition ho raha hai, filhal electric hoga. इंडिया में कब होगा इट इज ऑलवेज अप फॉर डिबेट, इट विल टेक टाइम। हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनना चाहिए, चार्जिंग फैसिलिटीज होना चाहिए और पावर डेंसिटी बैटरी में आना चाहिए बिकॉज इट हैज टू बिकम अफोर्डेबल एज वेल। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स में स्पेशली US एंड यूरोप हम ये देख रहे हैं कि काफी सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सो वी हैड इन्वेस्टेड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी 2 साल पहले एंड वी आर ऑल्सो सप्लाइंग टू देम नाउ। लास्ट ईयर Q4 में हमने सप्लाई चालू किया है और इसको आगे बढ़ावा देंगे, और हम उसके अलावा एक दो कंपनी के और साथ काम कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर डेवलप करके देने के लिए, बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग आउटसाइड इंडिया। एंथनी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि आपकी कंपनी कैसा कर रही है और रोड मैप क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ग्लोबली फार्म इक्विपमेंट की डिमांड इंप्रूव हो रही है। ग्लोबली अगर आप देखें तो फार्म इक्विपमेंट में जॉन डियर जो है वो बहुत बड़ी एक कंपनी है, उनके काफ़ी बड़े क्लाइंट इंडिया में लिस्टेड हैं और वो कंपनी है यूनिपार्ट्स। हाल ही में उनका IPO आया है, स्टॉक आज 2% ऊपर है। शायद इसका डेटा कम होगा आपके पास, किरण आप चार्ट पे चेक कर सकते हैं, कुछ 6 महीने पहले इनका IPO आया था, या आपको लगता है कि ये डेटा भी पढ़ना मुश्किल होगा? कौन सा स्टॉक है? यूनिपार्ट्स, 600 रुपए का भाव है, 590। यूनिपार्ट्स इंडिया,
ओके तो यूनिपार्ट्स इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आईपीओ आया है तब से ही स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, बॉटम के अंदर कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग भी आया है, एक फ्लैग पैटर्न पैटर्न कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर है। तो जब तक ये स्टॉक 590-580 के लेवल के ऊपर है तब तक इसमें जिसकी भी होल्डिंग है वो डेफिनेटली लॉन्ग रख सकते हैं, या कोई भी डिप आता है 580 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 570 का, जैसे ही 570 तोड़ेगा तो चांसेस है कि 540 जो उसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है वहां तक वापस रिट्रेस हो सकता है, लेकिन अगर 570 का लेवल नहीं टूटता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 630-650 तक जा सकता है। सो ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करना चाहे हो तो कर सकते हो, 580 तक इम्पैक्ट आप कर सकते हो, 570 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जिनके पास है या तो जो फ्रेश अभी मार्केट से ले रहे, ऊपर में जो टारगेट है वो 650 का है, तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप होल्ड या तो लॉन्ग कर सकते हो। पार्ट्स और हम आपको दिखाएं एक और स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो बजाज इलेक्ट्रिकल। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से इसके अंदर मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल देखिए आइए कपिल, बजाज इलेक्ट्रिकल 1200 रुपए क्रॉस करेगा क्या? हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि काफी एक रेंज में बना हुआ है, ऑलमोस्ट इस रेंज को हम देख रहे हैं वो 45 वीक्स हो गए हैं रेंज में है, लेकिन वो अभी एक अपर बैंड पे ही चल रहा है। अपर बैंड से पहले एक बार उसने ब्रीच करने की कोशिश थी लेकिन वो नाकाम रही, लेकिन फिर से अभी वो वहां पे स्टेबलाइज हो गया, प्राइसेस का मूव अप में देखने मिल रहा है। तो और अभी भी हम देख रहे हैं कि पहले एक टाइम था जहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में इतना कुछ मूव नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में काफी मूव आ रहा है। इसके जो काउंटर पार्ट थे वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर आके कहां ना कहां पे हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स जैसा देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि बजाज इलेक्ट्रिक एक अच्छा सा बेस तो उसने बनाया हुआ है, नाउ अभी इसका ब्रेकआउट ऊपर में ड्यू हो सकता है, तो आने वाले दिनों में जो उसके हर्डल लेवल्स थे 1200-1220 के अराउंड तो वो हमें निकलते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके ठीक है। खैर इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी वापस से हरे निशान में लौट आया है और 18400 के ऊपर आके टिक रहा है बिकॉज ऑफ आईटी कंपनीज, लेकिन बैंक निफ्टी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा बैंक निफ्टी में भी दो हिस्से हैं, अगर आप स्पॉट को देखेंगे ना तो आपको लगेगा 70-80 पॉइंट अभी भी हम नीचे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हैं ना बैंक निफ्टी का तो वो ग्रीन में है क्योंकि आज सारा डिस्काउंट खत्म हो गया। करीब 80 पॉइंट के डिस्काउंट के साथ हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, ये आप 74 पॉइंट्स देख रहे हैं। अगर इसका फ्यूचर्स देखेंगे आपको हरे निशान में दिखेगा। तो ये जो डिस्काउंटिंग थी वो खत्म हो गई, कल तक की थी, आज यानी कि डिस्काउंटिंग के बाद ये एट पार हो चुका है। एक और चीज़ नोटिस हो रही है मार्केट के अंदर वो है विक्स। आज अगर ठीक है प्रॉफिट बुकिंग अगर होनी भी है या हो सकती है तो विक्स को बढ़ना चाहिए। विक्स जितना सुबह खुला है अभी भी उतना ही है क्योंकि 15 मिनट बाद विक्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। आप देखिए ये बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब है कि मार्केट के पास सपोर्ट बहुत पक्के हैं और ये बाइंग ऑन डिप्स ज़रूर करवा सकता है। ये निफ्टी ने तो करके दिखा दिया, थोड़ा बैंक निफ्टी में जद्दोजहद अभी भी जारी है। आते हैं एक अलग अलग स्टॉक्स पे, एक स्टॉक और है मेरी लिस्ट में, वेस्ट कोस्ट पेपर। ये एक पेपर कंपनी है, छोटी कंपनी है, एक बार आप इसको जरा स्क्रीन पे लेके आइए। किरण एक बार जरा इसके बारे में बताइए, ये मैं इन्वेस्टर हूँ और पोजिशनली शेयर को ले सकता हूँ क्या? आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन वैसे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है इसका। सो रिसेंटली हमने एक पेपर के अंदर जो एक अपसाइड देखा था कहीं ना कहीं वहां से टॉप आउट हुआ स्टॉक, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ स्टॉक वापस अपने जो ओरिजिनल हाई टॉप हायर बॉटम ट्रेंड था उसके अंदर आया है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है। सो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो, एज ए इनफैक्ट ट्रेडर भी आप देख रहे हो, तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 540 का स्टॉप लॉस है। आप 540 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आए लॉन्ग करके जाइए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है उसके प्रीवियस जो टॉप थे 650 वहां तक के टारगेट आप डेफिनेटली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वेस्ट कोस्ट पेपर डेफिनेटली आप लॉन्ग करके जा सकते हो 540-550 के स्टॉप लॉस के साथ। आप अडानी एंटरप्राइजेस को आप देखिए जरा, असल में आज फिर से सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। कल जस्टिस ने ये कहा कि हमारे पास बड़ा समय नहीं है, अब हम इसको पढ़ लेंगे और सुनवाई हो सकता है आज वापस से करें, और दोनों मैटर्स की हो सकती है, रेगुलेशन वाले मैटर्स की भी और रिटेलर्स के नुकसान वाले मैटर्स की भी। एक बार अडानी एंटरप्राइज में आज कुछ बज आ सकता है क्या? है सीधा न्यूज़ ड्रिवन लेकिन ऐसे मुआयने पर खड़ा है, अगर चला तो फिर बहुत अच्छा चलेगा। कपिल ये आपसे है, अदानी एंटरप्राइजेस। ओके
अदानी एंटरप्राइज हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से सुस्त माहौल रहा हो, इसमें 1800 नीचे में और 2000 का लेवल ऊपर में, इस पर्टिकुलर रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में तकरीबन एक से डेढ़ महीना स्टॉक का हमें बीता हुआ देखने मिला हुआ है। अभी भी कोई इतना कुछ ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है, काफी सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस काफी फ्लैट है, तो इसमें मेरा व्यू एक काफी साइडवेज का ही लग रहा है। हालांकि जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ एक कोर्ट में उसकी सुनवाई तो उसके वजह से कुछ ब्रेकआउट आए तो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली वो काफी साइडवेज में ही लग रहा है, नो ट्रेडिंग जोन मैं इसको कह सकता हूं। ये स्पंदना स्फूर्ति जो स्टॉक है उसमें वापस से करंट आ गया, इंट्राडे देखिए 650 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है, अभी अभी इनफैक्ट 935 के बाद अप मूव आया इसके अंदर। कपिल जरा स्पंदना स्फूर्ति के चार्ट को लगाइए, क्या ये 700 के लिए तैयार हो रहा है? स्पंदन स्फूर्ति राइट, जी हां, सॉरी जी, वो स्टॉक मैंने ट्रैक में नहीं है तो उसमें कुछ कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। किरण आप देखते हैं स्पंदन स्फूर्ति? तो स्पंदन स्फूर्ति की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक 650 का रेजिस्टेंस था, हमने देखा था कि स्टॉक के अंदर एक जो कहीं ना कहीं 1300 से करेक्शन आया था, उसके बाद मल्टीपल टाइम 650 के आसपास ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी उस रेजिस्टेंस के ऊपर है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक के ऊपर 650 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में रिसेंटली एक अच्छा सा जंप आया था, कहीं ना कहीं बुलिश रेंज के अंदर ही है, और जिस तरह से रिसेंट करेक्शन आया उसमें वॉल्यूम नहीं देख रहे, तो एक सक्सेसफुल रीटेस्ट या तो पुल बैक हम इसको कह सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहिए, एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 620 के स्टॉप लॉस से आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कीजिए। इनिशियल लेवल पे हम 700 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हो, जैसे ही 700 का लेवल क्रॉस होता है देयर आर वेरी गुड चांसेस इसमें एक बड़ी सी अपसाइड हम देख सकते हैं, तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे 620 के स्टॉप लॉस के साथ। आपको रिकवरी दिखा दें, बाजार में जो पुलबैक माइनर पुलबैक आया था उसमें एक रिकवरी भी आई है। मैंने आपको बताया था पूरा बाजार वीक नहीं है, इंडिसीज कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के सॉलिड लेवल गेंस के साथ ही थे। अब आपको दिखाते हैं कि इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव किया, करीब 40-45 पॉइंट का पुल बैक निफ्टी में इंट्राडे आया है, 18380 से रिकवर कर गया और इस समय डेज हाई की तरफ हरे निशान में आ गया है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब अच्छा खासा रिकवर हो गया, 850 के हिसाब से 43850 से रिकवर करता हुआ इस समय डेज हाई की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुल बैक पे खरीदारी जो हम सुबह से आपको बता रहे हैं, चेज मत करिए, शॉर्ट ही मत करिए, पुल बैक पे एंट्री के मौके देखिए वो आपको नजर आ रहे हैं होते हुए। LIC हाउसिंग फाइनेंस का आज रिजल्ट है, NBFCs में हमने देखा है वैसे ही काफी रुचि है। कपिल LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ज को देखिए, रिजल्ट के आगे थोड़ा सा स्टॉक मजबूत सा ट्रेड कर रहा है डेज हाई की तरफ, इसको बेट करेंगे? यस, LIC हाउसिंग फाइनेंस ब्रॉडर स्ट्रक्चर साइडवेज में रहा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 315 से स्टॉक 390 तक का मूव आ रहा है। स्टॉक ने इस अपसाइड जर्नी के दौरान काफी सारे उसके जो मूविंग एवरेज फ्लैट थे वो भी अभी अपवर्ड स्लोपिंग के यहाँ पे आ रही है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो इंडिकेट कर ही रहा है। स्टॉक 388 पे चल रहा है, मोमेंटम भी इसके बरकरार है, इसके इमीडिएट हर्डल्स मुझे शॉर्ट टर्म में कुछ काफी नजदीक में देखने मिल रहे हैं, दैट इज 397, लेकिन शॉर्ट टर्म प्ले से 10 से 11 रुपए की अपसाइड मोमेंटम हम इसमें इंप्रूव होते हुए देखने मिल सकते हैं।